हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना। फ्रेंड्स अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना। चलिए, मैसेज आ रहे हैं मुझे, यस सर सुन पा रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं अंजलि। हाय अंजलि, हाय गजानन, हाय जननी, गुड आफ्टरनून अंकुर, गुड आफ्टरनून कोए, हाय अंकुर, हेलो कृति, गुड आफ्टरनून अदिति, हेलो खुशबू, गिरीश, आदिल, भारती, नेहा, चंचल, मोहन, ब्लेसिंग्स, ममता, बबीता, आदिल, कृति, गिरीश, नेहा, खुशबू, जननी, समीर, शीतल, तो सब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चित भी जुड़ चुके हैं, तेजस्वी भी जुड़ चुके हैं, बबीता भी जुड़ चुके हैं, नेहा, मैगवी पटेल, सेल्वम, चिराग, बबीता, यमन, चंचल, सभी जुड़ चुके हैं चलिए मेरे साथ आज। तो जो हम आज अपना डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम को कंडक्ट होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो हमें अब जो अपना फोकस रखना चाहिए वो कर रखना चाहिए कि हम सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार रिवाइज भी कर लें, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हम उन्हें भूल ना जाएं। तो इसी डायरेक्शन में मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं और मैं डिस्कस करूंगा इंटरनेशनल बिजनेस की इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ रिवाइज करूंगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए जो रिविजन करना है बहुत ईजी हो जाए। और ये जो हमारा डिस्कशन है ये कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए रेलिवेंट होने वाला है। चलिए, हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, ताकि वो भी हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकें और उसका बेनिफिट्स ले सकें। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक यूनिट स्नैपशॉट कोर्स है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट का, जिसमें आप फ्री नोट्स इन समरी फॉर्म अवेल कर सकते हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट के। इसके अलावा कॉमर्स और मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बेस्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यूनिट वाइज सॉर्ट किया गया है और उनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताई गई है सॉल्यूशन के साथ साथ। इसके अलावा हमारे पास एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज है, जो कि एक्चुअल एग्जामिनेशन फॉर्मेट पर बेस्ड है। और इसके अंदर आपको 2100 MCQs मिलते हैं यूनिट वाइज, प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। फर्स्ट टेस्ट फ्री है, आप जो है इसे भी अवेल कर सकते हैं और ढेर सारी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। इसके अलावा जो भी हमारे साथ कॉमर्स के स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए हमारे पास एक वीडियो कोर्स है नए टॉपिक्स पर, जो भी सिलेबस में ऐड हुए थे हमारे, जैसे लीगल एस्पेक्ट्स था, ऑडिटिंग था, जितने भी नए टॉपिक्स ऐड हुए थे सारे आप इस कोर्स से इजीली कवर कर सकते हैं। इनकी वीडियोज, इनके नोट्स, इनके MCQs सभी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। या फिर आप केवल लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सभी के मैसेज आ रहे हैं, हेलो, गुड आफ्टरनून, चलिए वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, मैं सभी को अब अलग से रिप्लाई नहीं कर रहा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए, गुड आफ्टरनून है सबको। और आज हम जो अपना डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन के ऊपर, वो रिवीजन हम कहाँ से करने वाले हैं, वो रिवीजन हम यूनिट स्नैपशॉट से करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि हमारे पास फ्री समरी नोट्स अवेलेबल हैं, हम उन्हीं समरी नोट्स का बेनिफिट यहाँ पर उठाएंगे। इस क्लास में मैं आपके साथ समरी नोट्स खोलूँगा और उन्हें आपके साथ रिवाइज करता जाऊंगा, ताकि सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारी कवर हो जाएं इस आने वाले एक घंटे की डिस्कशन के अंदर। और अगर आपको भी ये नोट्स हमारे चाहिए और अभी तक आपने हमारी वेबसाइट पे साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप कर सकते हैं, साइन अप करना बिल्कुल फ्री है। आप हमारी जो वेबसाइट है www.everstudy.co.in वहां पर विजिट करेंगे और वहां पर आप जो है साइन अप करके हमारे ये जो डिफरेंट कोर्सेज हैं उन्हें परचेज कर सकते हैं, फ्री वाले कोर्स फ्रीली अवेल कर सकते हैं और आप इन्हें अब ऐप पे भी अवेल कर सकते हैं। हमारी ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, आप प्ले स्टोर से एवर स्टडी क्लासेस सर्च कर वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे समरी नोट्स की तरफ।
चलिए, तो ये समरी नोट्स हैं। आज मैंने कॉमर्स के समरी नोट्स खोले हुए हैं, मैनेजमेंट के बिल्कुल सेम है समरी नोट्स, इंटरनेशनल बिजनेस के दोनों में कॉमन टॉपिक है। चलिए, चलो निधि, चंचल, सुप्रिया, अलका, सुनील, निशु, आचू, गुरवीन, श्रुति, चलिए सब अब शुरू करते हैं डिस्कशन। हम अपना बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस जो कि यूनिट 1 है कॉमर्स का, तो यहाँ पर इसमें हम इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ चलते हैं और अपना डिस्कशन जो है रिवीजन पे स्टार्ट कर लेते हैं। ये इंटरनेशनल बिजनेस पर आ गया मैं, इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए इंटरनेशनल बिजनेस ये हमारे साथ हमारे पास आ गया है। तो यहां इंटरनेशनल बिजनेस से हमारा जो डिस्कशन है हमने स्टार्ट करना है आज। चलिए संतोष भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नेहा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अंजलि भी कह रहे हैं सर डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। चलिए इंटरनेशनल बिजनेस हमारे सामने अब खुल चुका है, तो इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के मीनिंग की। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्या है, तो यहां पे बिजनेस वर्ड के साथ हमने एक नया वर्ड जोड़ दिया जो कि है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब कि एक से ज्यादा नेशंस यहां पे इन्वॉल्व हैं, तो जो भी बिजनेस हो रहा है एक से ज्यादा नेशंस में हम उसे कह देंगे इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत ही सिंपल है। तो बताया गया जो भी क्रॉस बॉर्डर मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में ट्रेड हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं गवर्नमेंट्स के बीच में, कंपनीज के बीच में, तो हम उसे कहेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। किनके बीच में हो सकता है, ये इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है। मैं यहां पर बैठ के अपनी क्लासेस जो है वो यूएस के स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेट इज अगेन इंटरनेशनल बिजनेस। और क्या हो सकता है, ये डिफरेंट बिजनेसेस के बीच में भी हो सकता है। तो एक बिजनेस यहां से कुछ कंपोनेंट एक यूएस के किसी बिजनेस को सप्लाई कर रहा है तो वो भी इंटरनेशनल बिजनेस में आ जाएगा। तो जनरली हमारी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं MNCs, वो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व रहती हैं। चलिए ट्रेड का मतलब बहुत ही आसान है, ट्रेड मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर मनी। चलिए अब चलते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि है मोड ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। तो मैं इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता हूं, आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, तो कैसे हम उस इंटरनेशनल बिजनेस को कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री हमारे हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्ट करना सबसे आसान है। एक्सपोर्ट करने में क्या करते हैं, हम अपने जो गुड्स हैं वो दूसरी कंट्री में सप्लाई कर देते हैं। तो हम कहाँ पे बेस्ड हैं, हम इंडिया में बेस्ड हैं, इंडिया से हम अपने गुड्स कहाँ भेज देते हैं, यूएस में। तो डेट इज़ व्हाट एक्सपोर्टिंग, हम इंडिया में ही बैठे हैं और बैठे बैठे ही हमने अपने गुड्स यूएस के अंदर भेज दिए। बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल मीन्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस है। यमन पूछ रहे हैं वी विल रिवाइज बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट नहीं, हम इंटरनेशनल बिजनेस वाला कॉम्पोनेंट रिवाइज कर रहे हैं, हम आगे आ चुके हैं। चलिए ट्यूशन दीदी कह रहे हैं यस सर। चलिए साजिना आप हमारे साथ जुड़ जाइए, माइथ्री भी जुड़ गए हैं, तो आप जल्दी से डिस्कशन के साथ जुड़ जाइए। अगला मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस हमारा क्या है, जॉइंट वेंचर। तो पहला था एक्सपोर्टिंग, दूसरा है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मुझे एग्जांपल देखते हैं कौन सबसे पहले यहां पर बताता है। पहले जल्दी से एक्सप्लेन भी कर देता हूं इसको। जॉइंट वेंचर क्या है, जब आप किसी बाहर की कंपनी से आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं कि हम मिलकर काम करेंगे तो उसे नाम दिया जाता है जॉइंट वेंचर। क्या है ये, इट इज अ स्ट्रेटजी टू एंटर अ फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट क्या हो गई, यूएस, बाय जॉइनिंग हैंड्स एंड शेयरिंग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट विद अनदर कंपनी। तो आप किसी और कंपनी जो कि यूएस की कंपनी है, आप इंडियन कंपनी है, आप यूएस की कंपनी के साथ जुड़ गए हैं और अब आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं एक साथ मिलकर। इट इज यूज वेन टू और मोर कंपनीज वॉन्ट टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो दोनों जो कंपनीज हैं उनको कॉमन ऑब्जेक्टिव है क्या, कि उस प्रोडक्ट की सेल करना, उस प्रोडक्ट को बेचकर प्रॉफिट कमाना और अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन को एक्सटेंड करना। चंचल कह रहे हैं ए प्लस बी इज ए बी, हीरो होंडा के एग्जाम्पल आ रहे हैं मेरे पास, हीरो प्लस होंडा, बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल, मारुति सुजुकी की भी एग्जांपल आ रहे हैं कि मारुति जो है वो इंडिया की कंपनी है और सुजुकी जापान से आके इंडिया की मारुति के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया और आपस में मिलकर उन्होंने दोनों ने ओनरशिप और मैनेजमेंट शेयर करी, और यहाँ पे वो अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल ऑफ कार्स को अचीव कर रहे हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल, सभी के बहुत अच्छे एग्जाम्पल आए हमारे पास। साजिना कह रहे हैं सर प्लीज से इन इंग्लिश, चलिए मैं कोशिश करूंगा बीच में थोड़ा सा इंग्लिश भी यूज कर लें, बट हमारा जो कंटेंट है वो इंग्लिश में ही आपको दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब हुआ, आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां हैं, जैसे हमारे पास डेल एक कंपनी है लैपटॉप्स बनाती है, उसके जो कॉल सेंटर्स हैं वो इंडिया में खुले हुए हैं, तो उसने क्या कर दिया, अपना कुछ जो सर्विस उसने प्रोवाइड करनी थी उसे आउटसोर्स कर दिया। क्या कर दिया, आउट सोर्स कर दिया। तो दो वर्ड हैं इसके अंदर, एक है आउट और एक है सोर्स, तो उसने यूएसए से इसे बाहर सोर्स कर दिया, इंडिया को दे दिया, तो इसलिए हमने इसे कह दिया आउटसोर्स। ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा उसने इसलिए कर दिया ताकि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फ्रेंचाइजिंग पे। तो नेक्स्ट मोड है हमारे पास फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या है, इट इज अ सिस्टम इन विच सेमी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, यानी कि फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है फ्रेंचाइजर और एक होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर क्या बताया, एक पेरेंट कंपनी, क्या कर रही है वो, उसने अपनी कोई ट्रेडमार्क है वो दूसरी कंपनी को दे दिया, उसे नाम दे दिया फ्रेंचाइजी, और उसके बदले उसे क्या मिलता है, उसके बदले उसे पेमेंट मिल जाती है। फ्रेंचाइजिंग आप सभी ने देखा हुआ है, आप सभी ने इसे इजीली ऑब्जर्व किया हुआ है, जल्दी से मुझे एग्जाम्पल बताइए फ्रेंचाइजिंग का। देखते हैं सबसे पहले फ्रेंचाइजिंग का एग्जाम्पल मुझे कौन बताता है आज। चलिए बिल्कुल, बीपीओ आउटसोर्सिंग के अंदर आता है, वेरी गुड, हाय वर्णिका, चलिए स्टार्ट कीजिए जल्दी से हमारे डिस्कशन को, चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ वर्णिका। चलिए देखते हैं फ्रेंचाइजिंग का एग्जांपल मुझे सबसे पहले कौन बताता है, सभी ने सुना होगा फ्रेंचाइजी, बिल्कुल केएफसी। बिल्कुल, फ्रेंचाइजर जो है हमारे इंडिया से बाहर है, उन्होंने फ्रेंचाइजी दे दी इंडिया में किसी कंपनी को कि आप जो है वो केएफसी के जो बर्गर्स हैं डिफरेंट वो यहां पे सेल कीजिए, तो वो एग्जांपल हो गया फ्रेंचाइजी का। तो इसके अंदर बेसिकली क्या ट्रांसफर हो रहा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में राइट टू यूज ट्रेडमार्क। तो जो इंडिया के अंदर पर्सन है वो ट्रेडमार्क यूज कर रहा है केएफसी का, केएफसी का ट्रेडमार्क यूज कर वो इंडिया में जो है वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रहा है। तो फ्रेंचाइजिंग के अंदर बेसिकली हम क्या दे रहे हैं, ट्रेडमार्क ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये बात यहां पर आप ध्यान में रखिए, जो आपका ब्रांड नेम है वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे हम अपनी एवर स्टडी क्लासेस की मान लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे लोगों को फ्रेंचाइजी दे देते हैं कि आप हमारा ब्रांड नेम यूज कीजिए और आप जो है उस नाम से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कीजिए, तो हो जाएगा ये फ्रेंचाइजिंग। नेक्स्ट है टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट मतलब आप सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसकी फाइनल जो चाबी है वो दूसरे पर्सन को हैंड ओवर कर देंगे। कैसे, क्या हुआ, मैं जो है हॉस्पिटल का जो काम है बहुत अच्छे से जानता हूं, तो मैंने क्या किया, यूएस के एक हॉस्पिटल को बनाने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो उसमें क्या किया मैंने, यूएसए वाली कंपनी ने मुझे कहा कि आपने सारा हॉस्पिटल बनाना है, उसके अंदर सारी मशीनरी जो भी लगनी है वो भी सब आपने ही लगानी है, फाइनली जब सारा तैयार हो जाए, सारी मशीन्स लग जाएं, उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स लग जाएं, तब आप हमें उसकी की जो है वो टर्नओवर हैंड ओवर कर देना। तो ये होगा टर्न की प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर क्या बताया, हमने ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल प्लांट जो है वो डिलीवर करना है अपने क्लाइंट को। तो हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल प्लांट क्या था, हॉस्पिटल, तो हमने उसको ऑपरेशनल कंडीशन में लाकर टर्नओवर कर दिया हमारे क्लाइंट को। तो क्लाइंट की यहाँ पर कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं थी बनाने में, हमने उसे सिंपली हैंडओवर कर दिया और उससे अपनी जो पेमेंट है वो ले ली। चलिए नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एफडीआई। एफडीआई तो बहुत ही आसान है और मेरे पास एग्जांपल पीछे से बहुत सारे मैकडॉनल्ड्स के, डोमिनोज के, पिज्जा हट के, सभी के आ रहे थे फ्रेंचाइजिंग से रिलेटेड। चलिए सभी के एग्जांपल ठीक थे, चलिए आगे चलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई की तरफ। तो एफडीआई क्या है, एफडीआई इज अ मोड ऑफ एंटरिंग इनटू द फॉरेन मार्केट थ्रू द इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल नाम से ही क्लियर है कि आप क्या कर रहे हैं, फॉरेन में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो आप जो हैं आप यूएस के अंदर रहते हैं, आप इंडिया के अंदर जो है किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, तो उसे हम नाम दे देंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप छोटे पर्सन है तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन्वेस्ट कर लेंगे, अगर आप बहुत बड़े पर्सन है, बहुत ज्यादा पैसे हैं आपके पास, तो आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एफडीआई की टेक्निकल डेफिनेशंस हैं, टेक्निकल पार्ट्स हैं, वो थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड है, तो हम जब फाइनेंस का डिस्कशन करेंगे वहां आपको वो कवर अप करवा दूंगा। फिलहाल समझिए ये भी एक मोड है ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अलावा है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बीच में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है? मर्जर क्या है? दो या दो से ज्यादा एंटिटीज का आपस में मिलना। मर्जर क्या है? जब दो दो एंटिटीज जो है वो आपस में मिल जाती हैं तो क्या हो जाता है? मर्जर। ए प्लस बी मिलकर बन जाते हैं ए बी, डेट इज कॉल्ड मर्जर। और एक होता है एक्विजिशन। मर्जर के अंदर क्या हो रहा है? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। एक्विजिशन में क्या होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, तो ए जो है वो बी को फुली एक्वायर कर लेगा। अब मर्जर्स और एक्विजिशंस होते क्यों हैं? मर्जर ऑफ एक्विजिशन इसलिए होते हैं क्योंकि इनसे डिफरेंट बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं। कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं? आप जब आपस में जुड़ गए तो आप एक दूसरे के जो एसेट्स हैं उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, एक दूसरे की जो मार्केट है उससे बेनिफिट ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे जो यूज होती है वो है सिनर्जी की, तो आप सिनर्जी गेन्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट हो जाएगा हमारे पास मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का। उसके बाद है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग क्या है? लाइसेंसिंग इज अ मेथड, क्या मेथड है? जिसमें एक फर्म जो है वो परमिशन दे देती है दूसरे पर्सन को कि आप हमारी प्रोडक्ट या फिर टेक्नोलॉजी को यूज कर लो और आप बिजनेस को कंडक्ट करा लो फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम एंड विद इन एन एग्रीड टेरिटरी। सर इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है यूएस की जिसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है। क्या नया प्रोडक्ट बनाया है? उसने एक ये पेन बनाया है जो कि आप अभी आपने सामने देख रहे हैं, ये वाला जो पेन आप बनाया है उसने बनाया है। तो वो क्या कहती है? इंडिया की कंपनी को कहती है मैं इस पेन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको ट्रांसफर कर देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस। तो आप भी लाइसेंस ले लो इस पेन को बनाने का, आपको मैं टेक्नोलॉजी बता दूंगी कि आप ऐसे इस पेन को बना सकते हो, पर ये हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, आप इसके बदले हमें पेमेंट कर देना। तो इंडिया वाली फर्म क्या करती है? उससे इस जो टेक्नोलॉजी है उसका लाइसेंस ऑब्टेन कर लेती है और उसे उसके बदले पेमेंट कर देती है। तो बहुत ही आसान था लाइसेंसिंग भी। चलिए यमन कह रहे हैं सिनर्जी एक्सप्लेन कर दीजिए। सिनर्जी एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, 1+1 इज इक्वल टू 11, दिस इज सिनर्जी। जब एक या एक और एक मिलकर 11 बन जाएं, जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं तो आप केवल अकेले काम कर रहे होते हैं, जब दो लोग काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो शक्ति है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप जो है बहुत अच्छे स्केल पे काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनर्जी। बिल्कुल पेप्सी एग्जांपल ऑफ लाइसेंसिंग, वेरी गुड एग्जांपल आ रहे हैं मेरे पास, बिल्कुल कोक पेप्सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर मर्जर में न्यू कंपनी होती है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ए बी कह लो आप या फिर सी कह लो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सर पॉसिबल हो तो क्विज लेके आए, क्विज भी हमने पहले डिस्कस करी हुई है, आप पहले वाली क्विज भी रेफर कर सकते हैं। लाइसेंस में हम अपना जो फॉर्मूला है टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर कर देते हैं, वेरी गुड। अभी चल रहे हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ भी, बिल्कुल नेहा चल रहे हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ भी। फिलहाल कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है? व्हेन अ फॉरेन फर्म हायर्स अ लोकल मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट और अ पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या कर रही है? जो नोकिया एक फर्म है वो इंडिया के एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, एक पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर लेती है कि आप जो बैटरीज हैं वो इसकी हमें आप बनाकर दो जो हमने इंडिया में अपने सेलफोन्स सेल करने हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। तो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनके हम स्किल्स यूज कर सकते हैं और उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आ सकती है, नहीं तो हमें बाहर से प्रोड्यूस करके इंडिया में लेके आनी पड़ती। अब हम इंडिया से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं वो और वही प्रोडक्ट में फिट कर फाइनली प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आउटसोर्सिंग जनरली सर्विस से रिलेट करता है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जनरली प्रोडक्शन से, गुड्स से जो है वो रिलेट करता है। जो फाइनल प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने की, बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नोकिया की ही रहेगी, उस लोकल मैन्युफैक्चरर की नहीं रहेगी। आगे है स्ट्रेटेजिक अलायंस।
स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है, जैसे कि मेरे से अभी पूछा भी गया सर स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है। चलिए बिल्कुल, फ्रेंचाइजी के अंदर हम ट्रेडमार्क ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल नट्स और बोल्ट्स का एग्जांपल भी आ रहा है मेरे पास, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, बिल्कुल लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में आपको बताया तो सही, लाइसेंसिंग में आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें मेन फोकस है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में, फ्रेंचाइजी में मेन फोकस है आपका ब्रांड नेम ट्रांसफर करने में। चलिए स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ चलें। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है दो कंपनीज के बीच में कि वो अपने रिसोर्सेज को आपस में जोड़ लेंगी जिससे कि वो ज्यादा मार्केट शेयर को गेन कर सकें, ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकें। क्या एग्जांपल होगा इसका, जैसे हमारा जो टाटा है उसने स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया किसके साथ, स्टारबक्स के साथ, कि स्टारबक्स जो तुम कॉफी बनाओगे उसमें टाटा के जो बीन्स हैं वो यूज कर लेना, जो टाटा बीन्स बना रही है कॉफी बीन्स तुम उसे यूज कर लेना, उसे टाटा का भी बेनिफिट होगा और स्टारबक्स का भी बेनिफिट होगा, उसकी भी मार्केट बढ़ेगी, उसकी भी मार्केट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी दोनों की, और दोनों आपस में जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकेंगे, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे, एक दूसरे का ब्रांड इमेज जो है और एक दूसरे की जो मार्केट की नॉलेज है, जैसे टाटा को इंडिया की मार्केट की ज्यादा नॉलेज है तो स्टारबक्स उस नॉलेज को भी यूज कर पाएगा, तो ऐसे वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बना सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन सकता है जब दो जो कंपनीज हैं एक इंडिया की एक बाहर की मिलकर कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहेंगे। चलिए सोनम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल कह रहे हैं नाइकी रिबॉक लेविस एटसेट्रा सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं, यहीं से मैन्युफैक्चरिंग करवा लेते हैं इंडिया से और उसके ऊपर अपना जो ब्रांड नेम है वो चिपका देते हैं, बिल्कुल। चलिए ये थे मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए चले आगे फिर, चलो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर होगा, चलते हैं आगे ट्रेड बैरियर्स की तरफ। तो ट्रेड बैरियर्स क्या हैं, सर पेन की इंक चेंज कर लीजिए, हम ब्लू देख के बोर हो चुके हैं, अब हम ब्लू की जगह आपको कौन सा दिखाएं, रेड दिखाते हैं। चलिए ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स क्या है, हमने पहले बात करी ट्रेड की, अब ट्रेड के ऊपर जो भी आपने बैरियर लगा दिया, जो भी आपने रुकावट लगा दी, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड बैरियर। तो ट्रेड बैरियर कैसे लग सकता है, क्या हो रहा है, एक तरफ है इंडिया एक तरफ है यूएस, ट्रेड बैरियर कैसे लग सकता है, जब इंडिया कह दे कि यूएस से गवर्नमेंट ने ऐसा, इंडिया की गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बना दिया कि यूएस से आप जो है इंपोर्ट्स नहीं कर सकते, या फिर इंपोर्ट्स पे कुछ कंडीशंस लगा दी कि अगर ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई तभी इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर बता दिया कि केवल आप इतना ही सामान यूएसए से इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसा इंडिया की गवर्नमेंट क्यों करेगी, बैरियर क्यों लगाएगी, क्योंकि उसे क्या करना है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना है। क्या होगा, नहीं तो यूएस की या फिर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं चाइना की सारी इंडस्ट्री इंडिया को जो है वो खत्म कर देगी, तो इंडिया की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रेड बैरियर्स का यूज करते हैं। चलिए तो ट्रेड बैरियर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं टेरिफ बैरियर्स, एक हो सकते हैं नॉन टेरिफ बैरियर्स और एक हो सकते हैं कोटास। ठीक है, टैरिफ बैरियर कौन से होंगे, टैरिफ का मतलब होता है ड्यूटी या फिर टैक्स, आप अगर लगा दें तो हम उसे कह देते हैं टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ आपने क्या कर दिया, कुछ मॉनेटरी आपने इंपोजिशन कर दी, मनी फॉर्म में कुछ इंपोजिशन कर दी, तो उसे हमने नाम दे दिया टैरिफ बैरियर का। जैसे हमने कस्टम ड्यूटी लगा दी, हमने कहा कि यूएसए से नाइकी के जूते आए हैं कितने के, 1000 रुपए पे, हमने कहा इस पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी 100 रुपए और अब ये बन जाएंगे 1100 रुपए के, तो ये जो हमने यहां पर कस्टम ड्यूटी जो लगा दी दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टैरिफ बैरियर। तो ये हमारे पास आ गए टैरिफ बैरियर्स। चलिए टैरिफ बैरियर जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं स्पेसिफिक टैरिफ, एक हो सकते हैं एड वैलोरम टैरिफ और एक हो सकते हैं कंपाउंड टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ क्या होते हैं, फिक्स्ड मॉनेटरी फी पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। एड वैलोरम क्या है, लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। कैसे समझें इसको, मैं आपके सामने दो केस बनाकर देता हूं, आपने मुझे बताना है कौन सा स्पेसिफिक है कौन सा एड वैलोरम है। चलिए मैं कहता हूं कि अगर आप नाइकी का एक शू मंगाएंगे उसकी कीमत कितनी है, 1000 है,
मैं कहता हूँ आपको उस पे पेमेंट करनी है मुझे ₹100 पर शू। और केस टू क्या है हमारे पास, ये है केस ए। केस टू क्या है हमारे पास, केस टू के अंदर भी हमने नाइकी का एक शू मंगाना है, उसकी कीमत है ₹1,000 और मैं कहता हूँ आपने मुझे पे करने हैं 10% ऑफ दी वैल्यू। तो बताइए इनमें से कौन सा स्पेसिफिक टैरिफ है और इनमें से कौन सा एड वैलोरम टैरिफ है, देखते हैं मुझे कौन सही सही बताता है। बिल्कुल, देखते हैं मुझे कौन सही सही बताता है। आदिल कह रहे हैं 100 स्पेसिफिक है। बिल्कुल, खुशबू कोटा को टेरिफ, नॉन टेरिफ का पार्ट भी कह सकते हैं, कहीं अलग से भी क्लासिफाई करते हैं। चलिए, शोभित कह रहे थे ओके सर गो अहेड। चलिए थैंक यू शोभित। 100 रुपीज स्पेसिफिक। और मेघावी कह रहे हैं 100 एड वलोरम है, ₹100 एड वलोरम है। ए स्पेसिफिक कह रहे हैं, ए स्पेसिफिक एंड बी एड वलोरम, 10% एड वलोरम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी के आंसर मेरे पास आ रहे हैं, फर्स्ट स्पेसिफिक, सेकंड एड वलोरम, बिल्कुल सभी जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आप इसी बात को ध्यान में रखना, जहां आप फी लगा रहे हो पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट तो हम उसे कहते हैं स्पेसिफिक टैरिफ, और अगर आप लगा देते हो एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू तो हम उसे नाम देते हैं क्या, एड वलोरम टैरिफ। तो यहां इनके बीच में ये डिफरेंस हो जाता है। अगर हम इनका कॉम्बिनेशन यूज कर दें कि ₹100 पर शू भी देना है और 10% ऑफ दी वैल्यू भी देनी है तो हम उसे नाम देंगे कंपाउंड टैरिफ। तो उनका कॉम्बिनेशन जो हो गया वो हो गया कंपाउंड टैरिफ। चलिए आगे चलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स की तरफ। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं, जो कि हैं अदर देन डायरेक्ट इंपोजिशन ऑफ टैरिफ। हमने डायरेक्टली टैरिफ यहां पर इंपोज नहीं किया। तो सर हमने बैरियर कैसे लगाया, हमने कह दिया कि जो भी, जैसे यूरोप कह देता है, क्या कह देता है कि इंडिया से जो भी कारपेट्स आएंगे उनमें चाइल्ड लेबर जो है, चाइल्ड लेबर का यूज नहीं हुआ होना चाहिए, ऐसा यूरोप कह देता है। तो उसने क्या लगा दिया, उसने नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया। वो कह देता है कि इंडिया से अगर कोई प्लास्टिक आ रहा है तो वो इस ग्रेड का ही प्लास्टिक आना चाहिए। क्वालिटी पे बैरियर लगा दिया। आप कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं वहां पे तो उसमें कह सकते हैं इतने परसेंटेज इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ऐसे जो है हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्या, कोटास। चलिए नॉन टैरिफ बैरियर्स उम्मीद कर तो सबको क्लियर है, ठीक है आगे चलते हैं कोटास की तरफ। बिल्कुल खुशबू कह रहे हैं नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू खुशबू। कोटास क्या है, कोटास आर द रिस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी और द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स। तो कोटास हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम क्वांटिटी भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और वैल्यू भी जो है वो भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप केवल इतना ही सामान मंगा सकते हो हमारे दूसरे कंट्री से। जैसे जो यूएस की गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकती है कि हम लिमिट कर दें अमाउंट ऑफ कैंडी बार्स डेट कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम जापान टू 1 लाख एवरी ईयर। जैसे यूएस ने क्या कह दिया कि जापान से केवल 1 लाख कैंडी बार ही हम मंगा सकते हैं, तो हमने कोटा लगा दिया, 1 लाख से ज्यादा कैंडी बार जो है वो नहीं मंगा सकते। आई थिंक बीच में कुछ लोग कॉल भी कर रहे हैं, किसी को कोई इशू आ रहा होगा शायद, तो मैं कॉल्स अभी नहीं ले पाऊंगा। प्लीज कॉल्स मत कीजिए इस टाइम पे, कॉल्स मैं आपकी नहीं ले पाऊंगा, काम का क्लास में भी डिस्टर्बेंस होगी, कॉल्स मत कीजिए इस टाइम पे, अभी क्लास पे फोकस कीजिए। चलिए कोटा सबको क्लियर है, कोटा कह रहे हैं फिक्स रिस्ट्रिक्शन है। अंजलि पहले ये तो कर लो, बिल्कुल राखी भी सही कह रहे हैं, क्वांटिटी पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि केवल आप इतना ही बाहर से लगा सकते हो, क्वांटिटी पे लगा दी या फिर मॉनेटरी वैल्यू पे, केवल 10 लाख का ही बाहर से मंगा सकते हो या फिर केवल 1 लाख यूनिट्स ही बाहर से मंगा सकते हो, तो ये हमने लगा दिया कोटा। अब आगे है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या है, बहुत ही सिंपल है, एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू ₹70, दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ नेशंस करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। तो हमारी करेंसी क्या है रुपी, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट हमारी जो कोटिंग है वो डायरेक्टली भी होती है और इनडायरेक्टली भी
होती है। ऐसे हमने कोट कर दिया तो डायरेक्टली हो गया, अगर हम इसे रुपी के टर्म में कोट कर देते तो इनडायरेक्टली हो जाती इसकी कोटिंग। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था एक्सचेंज रेट का। आगे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं जब हमने मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस की बात करी थी। आगे है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम सभी जानते ही हैं। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारे इंडिया है वो पूरा वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। कोई ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम यहां पर नहीं लगा रहा हूं। चलिए ग्लोबलाइजेशन से भी आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। वर्णिका बैंकिंग की भी ले लेंगे, फिलहाल आप यहां पर फोकस कर लीजिए जो भी क्लास चल रही है, ठीक है वर्णिका। चलिए थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे सवाल काफी ज्यादा चांसेस हैं कि पूछा जाने वाला है। सर इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज का क्या मतलब है, क्यों आई ये थ्योरीज? इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज का मतलब है कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो किन कारणों से हो रहा है, उसको डिफरेंट पर्संस ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। कैसे करी? थ्रू देयर थ्योरीज। तो डिफरेंट डिफरेंट बातें बताई, किसी ने कहा कि ट्रेड का कारण क्या है कि किसी कंट्री के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो वो उस रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट कर लेता है, जो रिसोर्सेज नहीं है उन्हें इंपोर्ट कर लेता है। किसी ने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों हो रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज गोल्ड और सिल्वर अपनी वेल्थ में एक्यूमुलेट कर सके। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस दिए गए इंटरनेशनल ट्रेड के और उनको हमने नाम दिया थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कोई थ्योरी फुल प्रूफ नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां भी जरूर हैं, इसीलिए हम इन सारी थ्योरीज को सेपरेटली स्टडी करेंगे और इन सब की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम यहां पर जान लेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। जब भी हम थ्योरीज की बात करते हैं उन्हें हम दो में डिवाइड करते हैं, कौन सी में, क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी और मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरी। तो हम उन्हें दो में डिवाइड करते हैं। शैला कह रहे हैं सर वीडियो स्लाइड्स नॉट क्लियर। शैला आपके जो वीडियो क्वालिटी है ना आपके यूट्यूब के प्लेयर पे, वो आपने रिड्यूस कर रखी होगी, उसकी क्वालिटी कम कर रखी होगी, उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ा लो। चलिए रिस्क के बारे में भी आपको पढ़ा देंगे, वो हमारा थोड़ा फाइनेंस से लिंक है टॉपिक, तो इसलिए हमने यहां पे नहीं कवर किया है उसे। फिलहाल आगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं, जो कि कोर इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक है। खुशबू कह रहे हैं इंप्रूव योर क्वालिटी। क्वालिटी में सबको दिक्कत आ रही है क्या? आई थिंक अपने यूट्यूब के प्लेयर के अंदर आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद भी वीडियो साथ में प्ले कर देख रहा हूं, वहां पे मुझे बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा है। नेहा कह रहे हैं ओके सर। चलिए जल्दी बताइए मुझे, क्या आपको क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के बाद भी आ रही है? शोभित सागर कह रहे हैं नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है ना उसे इंप्रूव कर लो। खुशबू कह रहे हैं नो सर। सभी कह रहे हैं नो सर, क्वालिटी ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनको भी दिक्कत आ रही है अपनी यूट्यूब की क्वालिटी इंप्रूव कर लो। चलिए बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की। एक साइड आती है क्लासिकल थ्योरीज और एक तरफ आती है मॉडर्न थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरीज हमारी हैं पुरानी थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज हैं हमारी नई थ्योरीज। जो हमारी पुराने, जब वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा था या फिर उससे पहले वाला टाइम जो चल रहा था, अगर मैं नाम दूं बिफोर 1950s, तब ये थ्योरीज जो थी वो आई थी, और मॉडर्न जो थ्योरीज हैं आफ्टर 1950s के टाइम पे ये आई थी। तो जो क्लासिकल थ्योरीज हैं उनका फोकस रहा था कंट्री के ऊपर, यहां पे लिखा है क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज, और जो मॉडर्न का था उसका फोकस रहा था फर्म के ऊपर यानी कि कंपनीज के ऊपर। कंट्री बेस्ड थ्योरीज का क्या मतलब हुआ, क्लासिकल थ्योरीज हमें बताती थी कि एक कंट्री, कंट्री ए कंट्री बी से ट्रेड क्यों करती है, बट जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न हमें बताती है एक इंडस्ट्री, मान लेते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री, पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री या फिर मोबाइल इंडस्ट्री क्यों ट्रेड करती है। तो ये एक पर्टिकुलर फर्म या फिर एक इंडस्ट्री या फिर एक कंपनी की तरफ चली जाती है, और
कंट्री बेस्ड थ्योरी पूरी कंट्री की बात यहां पर करती हैं। इन थ्योरीज में हमें क्या क्या बातें जाननी है, इन थ्योरी से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है मैच द फॉलोइंग का। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंट आपको थ्योरीज के नाम देते हैं और डिफरेंट पर्सन के नाम देते हैं, आपको उन्हें मैच करना होता है। तो आपको जिन जिन पर्सन ने ये थ्योरीज दी उनके नाम तो कभी भूलने ही नहीं चाहिए, आपको उनके नाम हमेशा अपने ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा क्या हो सकती हैं हमारे पास, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके ऊपर एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता है। एक स्टेटमेंट लिख के दे देते हैं और पूछते हैं ये कौन सी थ्योरी में, कौन सी थ्योरी से ये स्टेटमेंट ली गई है, या फिर ये कौन सी थ्योरी को जस्टिफाई करती है या फिर रिलेट करती है। तो एनालिटिकल नॉलेज भी हमें होनी चाहिए डिफरेंट थ्योरीज की। आपको नाम भी याद रखने हैं, आपको इनकी ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन भी याद में रखनी है। चलिए चलते हैं मर्केंटलिज्म की तरफ। तो जिन जिन के मैं आपको नाम बताऊंगा वो आपको नाम अच्छे से याद रखने हैं, जिनके मैं आपको नाम यहां नहीं बता रहा वो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। सर मर्केंटलिज्म क्या है, मर्केंटलिज्म का मतलब है अपनी ट्रेड से ज्यादा वेल्थ को इकट्ठा करना। मर्चेंट क्लास, मर्चेंट क्लास क्या करती है, वो ट्रेड करती है और उससे पैसे इकट्ठे करती है। थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म भी क्या करेगी, वो ट्रेड करेगी और उससे ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जो है वो क्यूमुलेट करेगी। तो यही थ्योरी जो है इसने हमें बताया कि हमारा जो वेल्थ ऑफ द नेशन है उसे हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और हमारे जो नेशंस हैं उनका फोकस होना चाहिए आप ज्यादा से ज्यादा वेल्थ, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर एक्वायर करो, कैसे, ट्रेड कर कर। क्या कहा उन्होंने, ट्रेड करो, ट्रेड से आप वेल्थ इकट्ठी करो, ये इन्होंने हमें यहां पर बताया। तो इन्होंने कहा ट्रेड करने के लिए आप अपने ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें एनकरेज करो, बढ़ावा दो, और जो अपने इंपोर्ट्स हैं उसको डिस्करेज करो। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म भी हम यूज करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, प्रोटेक्शनिज्म की। क्या टर्म यूज करते हैं, प्रोटेक्शनिज्म की। इन्होंने क्या बताया कि आप इंपोर्ट्स की तरफ प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अपनाओ और एक्सपोर्ट्स की तरफ एनकरेजिंग पॉलिसी बनाओ, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ और इंपोर्ट्स में अपने आप को प्रोटेक्ट करो कि आपने ज्यादा इंपोर्ट्स यहां पर नहीं करने। तो आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट्स ज्यादा करने हैं और इंपोर्ट्स कम करने हैं, मतलब आपको ट्रेड सरप्लस अपने पास जो है वो जनरेट करना है जिससे इन टर्न आपकी नेशन की वेल्थ बढ़ जाएगी। तो ये जो थ्योरी है आज की डेट में इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ये जो थ्योरी है हमारी 16th से 19th सेंचुरी के बीच में, जब क्या चल रहा था, जब चल रहा था कॉलोनियल पीरियड। तो डिफरेंट डिफरेंट जो नेशंस हैं वो अपनी कॉलोनीज बना रहे थे, जैसे कि ब्रिटेन ने भी इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, इंडिया भी एक कॉलोनी रहा था। ब्रिटिश क्या कर रहे थे, वो इंडिया को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रहे थे और उससे ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जो है वो इकट्ठी कर रहे थे। तो वो यही थ्योरी जो है वो फॉलो कर रहे थे और ये थ्योरी भी उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर। बिल्कुल मेरे पास नाम आने भी शुरू हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, मेरे पास आ रहे हैं सर प्लीज इस टॉपिक को भी करवाइए। बिल्कुल करवा देंगे इसको भी बाद में, फिलहाल जो टॉपिक कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। बिल्कुल नाम आने शुरू हो चुके हैं मेरे पास डिफरेंट थ्योरीज के। यमन कह रहे हैं एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट, वेरी गुड, एक्सपोर्ट मैक्सिमाइजेशन, वेरी गुड। तो सभी के नाम भी मुझे जो देने शुरू मतलब जो लोग मेरे को दे दिए हैं फ्रेंड्स ने, एब्सोल्यूट एडवांटेज का भी नाम दे दिया है, कंपैरेटिव एडवांटेज का भी नाम दे दिया है, और हक्सर ऑलिन जो मॉडल है उसकी कौन सी थ्योरी है वो भी नाम मुझे दे दिए हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन जो है वो चल रही है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या मतलब है इस एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का, तो ए से एब्सोल्यूट है, ए से एडम स्मिथ जी हैं। तो हमें ये थ्योरी दी है एडम स्मिथ जी ने, उनकी एक बुक थी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने उसमें ये थ्योरी हमें 1776 में प्रेजेंट करी। अब ये थ्योरी क्या बताती है कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड कैसे होता है। इसने कहा कि वेल्थ मत देखो, अगर आपको नेशन की वेल्थ जज करनी है तो वो गोल्ड और सिल्वर से तो हमने बिल्कुल भी नहीं देखनी, हमने देखनी है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड से। इसने कहा कि जो कंट्री किसी प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज लेकर बैठी है वो उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करे और दूसरा प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर ले। कैसे सर, समझे नहीं हम, एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने, एक है कंट्री ए और एक है कंट्री बी। कंट्री और दो कॉमोडिटी ले लेता हूं मैं, एक ले लेता हूं पेन और एक ले लेता हूं रोज। जो कंट्री ए है वो पेन का एक यूनिट बनाने में उसको लगते हैं 5 रुपए और रोज का एक यूनिट बनाने में उसको लगते हैं 10 रुपए। और जो कंट्री बी है,
कंट्री बी क्या कर रही है, वो भी ये दोनों कमोडिटीज बना रही है, उसे पेन का एक यूनिट बनाने में लगते हैं 10 रुपए और रोज का एक यूनिट बनाने में लगते हैं 5 रुपए। चलिए मुझे बताइए कि कौन सी कंट्री के पास पेन के अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज है और कौन सी कंट्री के पास रोज में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। देखते हैं मुझे कौन सबसे पहले बताता है। मल्टी टैलेंट कह रहे हैं सर, बफरिंग हो रही है ज्यादा, मेरे एंड पे तो नहीं हो रही बफरिंग। मल्टी टैलेंट आप अपनी वीडियो क्वालिटी रिड्यूस कर लीजिए अगर बफरिंग ज्यादा हो रही है। चलिए देखते हैं मुझे कौन बताएगा कि कंट्री ए और कंट्री बी में किसके पास पेन और रोज में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। प्रिया कह रहे हैं पेन ए, गिरीश भी कह रहे हैं ए, पेन ए, थैंक यू अमित। चलिए रोज बी पेन ए, सबके यही आंसर आ रहे हैं, पेन ए रोज बी, पेन ए रोज बी, सबके यही मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि कंट्री ए के पास पेन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो सस्ता पेन बना सकती है, और जो कंट्री बी है उसके पास रोज में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो सस्ता रोज बना सकती है। तो अब इन्हें क्या करना चाहिए, कंट्री ए को किस में ट्रेड करना चाहिए, आप मुझे बताइए। मैं एडम स्मिथ से नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कंट्री ए को किस में ट्रेड करना चाहिए, पेन में या फिर रोज में, आप बताइए मुझे। आप खुद एडम स्मिथ बन जाएंगे। बिल्कुल गंगा अरुण ने मुझे आंसर दिया है पेन के अंदर करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं गंगा अरुण। बिल्कुल सभी कह रहे हैं पेन के अंदर जो है वो करना चाहिए। तो कंट्री ए को पेन के अंदर ट्रेड करना चाहिए और कंट्री बी को रोज के अंदर ट्रेड करना चाहिए, यही बताया किसने, एडम स्मिथ ने, कि जिस प्रोडक्ट में आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है आप उस प्रोडक्ट को ट्रेड करो, यही बताया हमारे एडम स्मिथ ने। ये है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, नाम याद रखिए इस थ्योरी का, क्रक्स याद रखिए। आगे है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक है हमारे पास कंट्री ए और एक है कंट्री बी। यहां पे कौन सा एग्जांपल दूं आपको, यहां पे एग्जांपल देता हूं, चलिए किसका लें, एक लेते हैं वाइन और एक लेते हैं हम बुक। कंट्री ए को एक यूनिट वाइन का बनाने में कितने रुपीस लगते हैं, उसको लगते हैं 100 रुपीस, और कंट्री ए को एक यूनिट बुक का बनाने में कितने रुपीस लगते हैं, उसको लगते हैं 50 रुपीस। कंट्री बी को एक यूनिट वाइन का बनाने में कितने रुपए लगते हैं, उसको लगते हैं 200 रुपीस, और कंट्री बी को एक यूनिट बुक का बनाने में कितने लगते हैं, 400 रुपीस यहां पर उसे लगते हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर किस कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है वाइन में और बुक में, बताइए किस कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है वाइन में और बुक में। बिल्कुल टी राइस भी ले सकते थे, बिल्कुल नेहा आप ठीक कह रहे हैं। बबीता कह रहे हैं इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग करा दीजिए, इनकम टैक्स की ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं बबीता, 3 वीडियोस अपलोडेड हैं अमेंडमेंट्स के साथ, आपका सारा इनकम टैक्स वहीं से रिवाइज हो जाएगा। मेरे पास आंसर आ रहे हैं कंट्री ए, कंट्री ए इन बोथ, कंट्री ए के पास दोनों में एडवांटेज है। बिल्कुल वो कह रहे हैं सभी जो एडवांटेज है वो कंट्री ए के पास है। तो अब यहां पर एडम स्मिथ फेल हो गए, वो तो कह रहे थे कि जिसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा वो उसमें ट्रेड कर लेगी, जिसमें नहीं होगा उसे इंपोर्ट कर लेगी। अब यहां पर तो दोनों कमोडिटीज में ही ए के पास एडवांटेज है, तो यहां पर ट्रेड कैसे हो, इसे एक्सप्लेन किया हमारे डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो ने अपनी एक थ्योरी लेके आया कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी 1817 के अंदर। उन्होंने बताया कि अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है नेशंस कैन स्टिल ट्रेड। कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो, कंपैरेटिव एडवांटेज को देखकर। कंपैरेटिव एडवांटेज हम किस में देखें, आप ही मुझे इसे एनालाइज करके बताइए कि कंट्री ए के पास किस में कंपैरेटिव एडवांटेज है और कंट्री बी के पास किस में कंपैरेटिव एडवांटेज है। चलिए आप मुझे बताइए कंट्री ए को किस में अपने रिसोर्सेज लगाने चाहिए, वाइन बनाने में या फिर बुक बनाने में,
और कंट्री बी को किस में अपने रिसोर्सेज लगाने चाहिए, वाइन बनाने में या फिर बुक बनाने में? बिल्कुल रिलेटिव एडवांटेज देखना चाहिए हमें। कंट्री बी इन वाइन, मेरे पास आंसर आ रहा है कंट्री ए को बुक बनानी चाहिए और कंट्री बी को वाइन बनानी चाहिए। सुगंधा का बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, मेरे पास ऋचा का भी आंसर आया कि कंट्री ए को जो है उसे बुक बनानी चाहिए, कंट्री बी को वाइन बनाना चाहिए। आपने बहुत इजीली एनालाइज कर लिया कि अगर हम इस रेशो को देखें तो यहां पे ये रेशो है 1:2 और इस रेशो को देखें तो ये बन जाती है 1:8 की रेशो। तो यहां पे कंट्री ए अगर वाइन नहीं बनाएगी तो उसे डबल रिसोर्सेज में कंट्री बी वाइन बना लेगी, बट अगर कंट्री ए बुक नहीं बनाएगी तो कंट्री बी को वो बनाने में 8 times रिसोर्सेज लग जाएंगे। तो बुक कंट्री बी को नहीं छोड़नी चाहिए, बुक अगर हमने कंट्री बी को छोड़ दी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट करेगी, ओवरऑल हमारी ग्लोबल प्रोडक्शन नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, कंट्री ए को बुक बनाने देनी चाहिए और कंट्री बी को वाइन बनाने देनी चाहिए ताकि ओवरऑल एक हमारा जो ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड है वो बढ़े और ओवरऑल हमारी जो एफिशिएंसी है वो प्रोडक्शन में बढ़ जाए और सभी जो ग्लोबल लेवल पे प्रॉस्पेरिटी यहां पर आ जाए। तो ये कहती है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो कि हमें दी है डेविड रिकार्डो ने। उसके बाद है एंडोमेंट थ्योरी यानी कि हेक्शर ऑलिन मॉडल और इसे हम कहते हैं फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। तो इसे 3 नामों से जाना जाता है, एंडोमेंट, हेक्शर ऑलिन मॉडल या फिर HO मॉडल के नाम से भी जानते हैं और एक है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। इस थ्योरी ने हमें क्या बताया, इस थ्योरी ने बताया कि जो चीज आपके पास ज्यादा है आप उसे एक्सपोर्ट करो, जो चीज आपके पास कम है आप उसे इंपोर्ट करो। जैसे इंडिया में क्या है, चीप लेबर इजीली अवेलेबल है, चीप लेबर बहुत ज्यादा है, तो आप लेबर इंटेंसिव गुड्स जैसे कि हमारे टेक्सटाइल्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आप उन्हें एक्सपोर्ट करो और आप कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जैसे कि एडवांस्ड मशीनरी है, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, तो आप उन्हें इंपोर्ट कर लो। तो ये इस थ्योरी ने हमें बताया कि जो प्रोडक्ट, जो कॉमोडिटी आपके पास नेचुरली इंडोर्ड है आप उसमें एक्सपोर्ट करो, जो फैक्टर आपके पास ज्यादा प्रपोर्शन में है आप उसे एक्सपोर्ट करो और जो कम प्रपोर्शन में है जिसमें आपकी एंडोमेंट अच्छी नहीं है आप उसे इंपोर्ट कर लो। तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी थी हमारी हेक्शर ऑलिन मॉडल की। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की तरफ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कहती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी पे जब हम आते हैं तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज की। चलिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की हम बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज की। ये थ्योरी हमें क्या बताती है, बहुत ही सिंपल से शब्दों में आपको बता देता हूं डिटेल में जाने के बजाय। ये हमें कहती है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो सबसे ज्यादा पहले उसकी प्रोडक्शन होती है जिस कंट्री में उसकी इनोवेशन हुई, इनोवेटिंग कंट्री में सबसे ज्यादा उसकी इनोवेशन होती है। किसमें होती है, इनोवेटिंग कंट्री में, इनोवेटिंग कंट्री में उसकी सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन होगी जब कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। जब वो प्रोडक्ट पुराना हो जाएगा तो उसकी प्रोडक्शन शिफ्ट हो जाएगी किसमें, मास प्रोडक्शन कंट्रीज में। तो जो कंट्रीज उसकी मास में प्रोडक्शन कर सकती हैं वहां पे उसकी जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बताती है हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी कि पहला जो प्रोडक्ट है वो नया प्रोडक्ट होता है, फिर वो मैच्योर स्टेज में चला जाता है और फिर वो डिक्लाइन स्टेज में चला जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको पर्सनल कंप्यूटर का, तो जब पर्सनल कंप्यूटर नए नए बने थे तो उसकी ज्यादातर जो प्रोडक्शन हो रही थी वो वेस्टर्न कंट्रीज में जहां उसकी इनोवेशन हुई वहीं हो रही थी। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, जो कंप्यूटर्स हैं सबसे ज्यादा हमारे लो कॉस्ट कंट्रीज में बन रहे हैं, चाइना में, इंडिया में, यहां पर कंप्यूटर्स अब बनने शुरू हो गए हैं। तो पहले इनोवेटिंग कंट्री और लास्ट में कौन सी, हमारी लो इनकम लो कॉस्ट कंट्रीज में प्रोडक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाती है। और इस ग्राफ में भी आपको यही सब दिखाने की कोशिश करी गई है। तो यही एक्सप्लेन किया गया है यहां पर भी, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारे पास, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में बिल्कुल एक चीज रह गई, यहां पे भी नहीं मेंशन करी हुई, ये थ्योरी हमें दी थी रेमंड वर्नॉन ने। तो आप नोट कर लेना, ये थ्योरी हमें दी थी रेमंड वर्नॉन ने और ये हमें बिल्कुल सही सही बताया मेघावी पाटिल ने। बिल्कुल खुशबू भी कह रहे थे वर्नॉन, रेमंड ने दी थी, बिल्कुल सही बात है।
चलिए आगे बढ़े थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की तरफ। थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हमें दी थी माइकल पॉटर ने, माइकल पॉटर ने ये हमें थ्योरी दी थी। ये थ्योरी क्या बताती है, ये थ्योरी अगेन नई थ्योरी है, फर्म बेस्ड थ्योरी है, तो ये भी एक फर्म की बात करती है। कहती है कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक फर्म के पास किन किन कारणों से एडवांटेज अराइज हो सकते हैं। तो उसने कहा कि कुछ डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिससे किसी फर्म के पास एक इंटरनेशनल सिनेरियो में एडवांटेजेस अराइज हो जाएं। कौन कौन से उसने फैक्टर्स हमें बताए, उन्हें आप यहां पर भी देख सकते हैं और नीचे टेबल में भी देख सकते हैं। चलिए आपको पहले यहीं से बता देता हूं। उसने बताया फैक्टर कंडीशंस, फैक्टर कंडीशंस मतलब ये बिल्कुल सेम है जो एचओ मॉडल ने बताया। क्या, कि जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होंगे जिस कंट्री में वो फर्म लोकेटेड है, वहां पे जो रिसोर्सेज की वजह से उसको बेनिफिट मिलेंगे, फैक्टर कंडीशंस की वजह से बेनिफिट मिलेंगे, उससे उसके पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आ जाएगा। तो अगर इंडिया में जो कंपनी लग रही है यहां पे लो कॉस्ट लेबर इजीली अवेलेबल है, तो उसके पास ऑटोमेटिकली लेबर इंटेंसिव गुड्स में एडवांटेज आ जाएगा। उसके बाद है डिमांड कंडीशंस, अगर जो इंडिया है उसमें डिमांड भी है किसकी, लेबर इंटेंसिव गुड्स की। इंडिया में डिमांड है टेक्सटाइल्स की, लेदर इंडस्ट्री की, तो इसकी डिमांड भी है। तो अगर अच्छी डिमांड भी होगी तो नेचुरली उस डिमांड को पूरा करने के लिए फर्म जो है एक अच्छा लेवल ऑफ प्रोडक्शन करेगी, अच्छे लेवल ऑफ रिसोर्सेज जो है उसमें इन्वेस्ट करेगी, और नेचुरली उसमें भी कॉम्पिटिटिवनेस वो गेन कर लेगी। इसके अलावा है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, सपोर्टिंग इंडस्ट्री का होना भी जरूरी है। जैसे आप क्या बना रहे हैं, आप बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, गारमेंट्स बना रहे हैं मान लेते हैं, तो गारमेंट्स के लिए आपको क्या चाहिए, टेक्सटाइल चाहिए, पीछे फैब्रिक चाहिए, फाइबर चाहिए। तो फैब्रिक और फाइबर जो है वो भी अगर आपके पास सपोर्ट करेंगी इंडस्ट्रीज, वो भी आपको प्रोड्यूस करके देंगी इंडस्ट्रीज, तो भी आपके बीच में आपके जो है इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी। अगर आपको जो आपका रॉ मटेरियल है वो बाहर से प्रोक्योर करके लाना पड़ता है, वो इंडिया में मिलता ही नहीं, वो यूएसए से लेके आना पड़ता है, तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर नहीं बनेगी। आपको इजीली जो है सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज अवेलेबल होनी चाहिए। उसके अलावा है फर्म स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, उस फर्म की क्या स्ट्रेटेजी है, उस जो उस इंडस्ट्री है उसका क्या स्ट्रक्चर है और वहां पे क्या राइवलरी कंडीशंस हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। अगर राइवलरी कंडीशंस, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अच्छी हैं, राइवलरी यहां पे ज्यादा है, एक एक फर्म की दूसरी फर्म के साथ राइवलरी है, तो क्या करेंगी, नेचुरली ये एक दूसरे को बीट करने की कोशिश करेंगी ताकि ये कॉम्पिटिटिवनेस ला सकें, कॉम्पिटिटिवनेस ला सकें, और उससे क्या होगा, नेचुरली इन दोनों के पास एडवांटेज अराइज हो जाएगा और ये दोनों कम कॉस्ट पे ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगी। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे एडवांटेजेस अराइज हो सकते हैं। और पॉटर ने इन चार फैक्टर का नाम तो यही लिया, कौन कौन से चार फैक्टर का नाम, सबसे जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, फैक्टर कंडीशंस, डिमांड कंडीशंस, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रेटेजी एंड राइवलरी। उसके अलावा बताया कि इसके अलावा भी चांस फैक्टर यानी कि लक फैक्टर और गवर्नमेंट कंडीशंस, ये दोनों भी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये दोनों फैक्टर भी हमारी एक फर्म की कॉम्पिटिटिवनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी बताया हमारे माइकल पॉटर ने। तो ये हमारी कुछ थ्योरीज थी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड की। बिल्कुल, इसे डायमंड मॉडल भी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई बात नहीं सुरेंद्र, आप बाद में भी देख सकते हैं इस लेक्चर को। चलिए, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने अभी तक कवर अप कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक बटन दबा देना, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा ताकि आगे भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहें। बिल्कुल, फोर फैक्टर्स होते हैं, डायमंड मैट्रिक्स भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरफ से भी जो नए अच्छे अच्छे इनपुट्स आ रहे हैं ना, उससे भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है मुझे, और इस वीडियो को आप लाइक करोगे तो उससे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझे, तो लाइक जरूर कर देना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू मेगावी। चलिए, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है हमें आपकी बातों से, और क्लास सेशन को एंड करने का तो मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अभी थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं और नई चीजों को भी कवर अप कर लेते हैं। थैंक यू सिद्धार्थ।
हाँ बिल्कुल सुरेंद्र, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका एग्जामिनेशन जरूर क्रैक होगा। चलिए यूएनओ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो यूएन क्या है? देखो, जैसे हमारी हर एक नेशन की अपनी गवर्नमेंट होती है, अपना लीडर होता है, तो सारे नेशंस ने क्या सोचा कि मिलकर एक ऐसी बॉडी बना लें जिसके अंदर सारे नेशंस आ जाएं, सारे नेशंस क्या हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं, और उसे क्या नाम दे दिया, उसे नाम दे दिया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी हमारे वर्ल्ड के कंट्रीज हैं वो आपस में यूनाइट हो जाएं, आपस में एक उनके पास प्लेटफॉर्म आ जाए जहां पर वो मिलकर अपनी बात कह सकें और पूरे वर्ल्ड में क्या कर सकें, पीस, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स इसे बढ़ा सकें। इसके लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो वर्ल्ड वार के बाद हमारे दो वर्ल्ड वार हुए थे, एक हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार और एक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार। ये हुआ था 1919 तक और ये हुआ था 1945 तक। तो इसके बाद नेशंस ने सोचा कि हमें और लड़ाई नहीं करनी, अब हमें शांति जो है वो चाहिए, हमें एक पीस जो है उसे प्रमोट करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि सारे नेशंस एक प्लेटफॉर्म पे मिलकर बात करें, मिलकर काम करें, और कोई दिक्कत आ रही है तो उसे यहीं पे सॉल्व कर लें। इसलिए हमने क्या बना दिया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। अब इसने इन सब बातों पे तो काम किया ही किया, बिजनेस को प्रमोट करने का भी काम किया, इसीलिए ये रिलेटेड है इंटरनेशनल बिजनेस से। तो ये क्या क्या असिस्ट करती है, ये पीस कीपिंग, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और इस कंटेक्स्ट में, हमारे कंटेक्स्ट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी असिस्ट करती है, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने में भी जो है वो असिस्ट करती है। थैंक यू निधि। चलिए, जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक और सोशल वर्क से रिलेटेड है, जो उसे कोऑर्डिनेट करता है, उसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये ज्यादा हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल उसका एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जो कि इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलेटेड वर्क हैंडल करता है यूनाइटेड नेशंस का। तो इसका नाम हमें जरूर पता होना चाहिए, हमसे पूछ सकते हैं कि जो इकोसोक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो किससे एफिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन से है या फिर नहीं है। हमें याद रखना है कि ये उसका प्रिंसिपल ऑर्गन है। बट जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, मेन कंपोनेंट है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, उसका नाम जो है वो है UNCTAD, जो कि हमारे सिलेबस में भी मेंशन है। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, UNCTAD क्या नाम, क्या मतलब हुआ इसका, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो UNCTAD क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो कि डील करता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यू से। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारे सिलेबस में ये ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जरूर याद रखना है, 1964, बिल्कुल नहीं भूलना इसको। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो लोकेटेड है जेनेवा के अंदर, इसको भी जरूर याद में रखना है। UNCTAD हमारी है जेनेवा के अंदर, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटिंग टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ट्रेड, एड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑर्डिनरली कब मीट करती है, वंस इन 4 ईयर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी आती है UNCTAD की, यहां पे मेंशन्ड नहीं है बट हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, और ऑलरेडी हमारी 5 मिनट सीरीज में भी हम उसे कवर अप कर चुके हैं। देखते हैं उस रिपोर्ट का नाम मुझे कौन बताता है। भारती कुमारी दिए होंगे ये टॉपिक्स भी, कुछ टॉपिक्स हो सकता है ना हो, तो कोई बात नहीं, आप यहां से कवर अप कीजिए, आपके लिए इक्वली रेलिवेंट है, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स तो ऑलरेडी दिए ही होंगे। कह रहे हैं 194 मेंबर्स। चलिए UNCTAD की वेबसाइट पे चलते हैं। UNCTAD के बारे में डिफरेंट बातें जानने के लिए उसकी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो यूएन का कंपोनेंट है ना, वो पता होना चाहिए निधि, और इसीलिए हम UNCTAD की बात कर रहे हैं। यूएन के बारे में मत पढ़िए तो कोई बात नहीं, UNCTAD के बारे में जरूर पढ़िए। ये लिखा हुआ है UNCTAD के बारे में, यही सब बातें लिखी हुई है। क्या बातें लिखी हुई है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। कहां पे,
1964 में। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंडर, और ये पार्ट है हमारे यूएन सेक्रेटेरिएट का। ये रिपोर्ट करता है यूएन जनरल असेंबली को भी और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को भी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं यूएन सीटीएडी के बारे में, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ जैसा कि मुझे मेरे काफी सारे फ्रेंड्स बता रहे थे, वी आर सर्विंग द सिटीजंस ऑफ 194 कंट्रीज दैट मेक अप अवर ऑर्गेनाइजेशन, अवर गोल इज प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। तो 194 कंट्रीज जैसा कि मुझे आप बता रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ममता ने बिल्कुल ठीक बताया, नेहा, भारती, खुशबू, मेघावी, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि यूएन सीटीईडी की कौन सी रिपोर्ट आती है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मुझे सही सही बताया है इन्होंने, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है जो कि आती है। तो हमारी नॉलेज को सप्लीमेंट किया यहाँ पर आपने, और क्या बताया कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है इसकी, और इसके अंदर कितने कंट्रीज हैं, 194 कंट्रीज हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और 194 कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। हाँ, पीस क्लॉज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पढ़ लेना एक बार, नहीं समझ आया तो फिर हम कहीं उसे किसी 5 मिनट सीरीज या फिर किसी और टॉपिक में कवर अप कर देंगे सोनम। चलिए आगे चलते हैं ब्रेटन वुड्स की तरफ, जो कि एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। ब्रेटन वुड्स क्या है? ब्रेटन वुड्स इज द साइट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज हेल्ड इन जुलाई 1944। तो जुलाई 1944 में फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहां पे हुई थी? ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स कहां पे है? ब्रेटन वुड्स है न्यू हैम्पशायर यूएस के अंदर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका बर्थ हुआ था, और ये सवाल एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है कि कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस का बर्थ हुआ था, कौन सी हैं वो? वो हैं आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका इस पे बर्थ हुआ था, और ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी हमारी वो हुई थी 1944 के अंदर। तो ये भी चीज पूछ सकते हैं कि 1944 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस थी, और यहां पर जो हमारे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक थे उनकी एस्टेब्लिशमेंट यहां पर हुई थी। तो ये सभी बातें हमें पता होनी चाहिए। ट्यूशन दीदी हो सकता है थोड़ा पीछे चले गए हैं, बिल्कुल आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का ही, उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली भी आंसर दे दिया आईबीआरडी, अभी बात करेंगे आईबीआरडी की भी। बिल्कुल आईएमएफ, और एग्जैक्टली बात करूं तो मैं आईबीआरडी की हुई थी, पर हम उसे जो कॉमन पार्लेंस है उसमें वर्ल्ड बैंक लिखते हैं। चलिए वर्ल्ड बैंक की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो बिल्कुल ठीक है, वर्ल्ड बैंक इज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। तो देखिए, जैसा कि निधि मेरे से पहले पूछ रहे थे कि सर यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ें या फिर नहीं पढ़ें, यूनाइटेड नेशंस तो हर चीज में घुसा हुआ है, हर चीज के अंदर आपको उसका जिक्र मिलेगा, तो उसका बारे में बेसिक 2-3 बातें जान लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, पढ़ लेना चाहिए उसके बारे में भी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। तो हमें एक मैक्स द फॉलोइंग सवाल बन सकता है यहां पर, क्या आ सकता है? हमें 2-3 ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं, एक यूएनसीटीएडी दे देंगे, एक क्या दे देंगे, एक वर्ल्ड बैंक दे देंगे, इसके अलावा और 2-3 ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं, और हमें एक तरफ उनके हेडक्वार्टर दे सकते हैं। तो कह सकते हैं इन्हें मैच कर कर बताइए, तो वो भी हमसे सवाल पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मिशन क्या है? इस पर मैं आपको पहले भी एक बार सवाल करा चुका हूं लाइव सेशन में ही कि वर्ल्ड बैंक का मिशन है, पहला मिशन है टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। क्या मकसद है इनका? कि बाय रिड्यूसिंग द शेयर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन दैट लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी टू 3% बाय 2020। ये याद रखना है, 3% बाय 2030, ये आपको याद रखना है यहां पर। और दूसरा क्या है? टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि जो हमारी पुअरेस्ट 40% ऑफ द पीपल है हर कंट्री के अंदर, उनकी हमें इनकम बढ़ानी है। हमें हर कंट्री के अंदर देखना है कि पुअरेस्ट 40% लोग कौन है, हमें उनकी इनकम बढ़ानी है। तो ये मेन दो मिशंस हैं वर्ल्ड बैंक के। तो हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें यहां पर कंफ्यूज नहीं होना और ये दोनों मिशंस को अपने ध्यान में लेकर चलना है। हम भूल जाते हैं कि वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी से रिलेटेड काम कर रहा है, पुअर से रिलेटेड काम कर रहा है, हम वर्ल्ड बैंक को ज्यादा ट्रेड से लिंक किए चलते हैं। तो ट्रेड की तरफ तो इसका फोकस है ही, बट इसका फोकस हमारे पुअर पे ज्यादा है, पुअर पे प्रोस्पेरिटी पे ज्यादा है।
चलिए वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो वर्ल्ड बैंक में दो हमारे इंस्टीट्यूशन आते हैं और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में हमारे पांच इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो यहां पे आप देखें, ये है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर हमारे पास पांच इंस्टीट्यूशन आते हैं, कौन कौन से? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये पांच ऑर्गेनाइजेशन आते हैं हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। और अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक में केवल ये दो आते हैं, IBRD और IDA। सर इनके बारे में भी ब्रीफली बता दीजिए। इनके बारे में ब्रीफली हम एक 5 मिनट सीरीज वीडियो के अंदर सेपरेटली बता चुके हैं, तो मैं यहां पे हमारी डिस्कशन जो है उसको रिपीट नहीं कर रहा, डिटेल में नहीं जा रहा। एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहां पर आपको बता देता हूं कि इंडिया जो है वो फाउंडर मेंबर है किसका? IBRD का, IDA का और IFC का। और इंडिया MIGA MIGA से भी एसोसिएटेड है, बट इंडिया जो है ICSID का मेंबर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं इनमें से कौन से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के आर्म का इंडिया मेंबर नहीं है? तो हमें उसका आंसर ध्यान में रखना है कि ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है। क्यों मेंबर नहीं है? क्योंकि इंडिया को दखल अंदाजी पसंद नहीं है। इंडिया चाहता है कि हम अपने जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट हैं उनको खुद सॉल्व करें, हम उसमें बाहर की इंटरफेरेंस नहीं चाहते, इसलिए इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ी बातें लिखी गई हैं, तो मैं यहां पर इन्हें स्किप कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हम आ जाते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की तरफ, जिसे भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी कुछ वीडियोस में भी। बिल्कुल सभी के आंसर मुझे सबसे सही सही आ रहे हैं, सब मुझे बता रहे हैं कि कब कब बने थे ये। बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे भी सवाल बन सकता है कि इनको अरेंज कीजिए ये कब कब बने थे। बिल्कुल IBRD और IDA वर्ल्ड बैंक के अंदर आते हैं। MIGA का कहना चाह रहे हैं शायद, बिल्कुल MIGA का मेंबर है इंडिया सोनम। चलिए IMF की अगर मैं बात करूं, IMF हमारा क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक को ज्यादा हम रिलेट करते हैं डेवलपमेंट से कि वो वर्ल्ड की डेवलपमेंट कर रहा है, बट IMF को हम रिलेट करते हैं लेंडिंग से कि मतलब वो वर्ल्ड के अंदर जो है वो लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम IMF को रिलेट करते हैं लेंडिंग से, लोन्स से। कितने मेंबर्स हैं IMF के अंदर? 189 मेंबर कंट्रीज हैं। आप इसे रेगुलरली जो है अपडेट करते रह कीजिए, न्यूज़पेपर में पढ़ते रह कीजिए। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट आए, कोई अपडेशन हुए तो जरूर उसमें आप ऐड कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी हो जाएगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब IMF के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? IMF के हेडक्वार्टर हैं हमारे वॉशिंगटन के अंदर। ठीक है, पहले वाले दोनों हेडक्वार्टर याद हैं कि भूल गए? पहले वाले दोनों हेडक्वार्टर याद हैं? चलो बताओ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां था? बिल्कुल 1944 में बने वर्ल्ड बैंक IMF सुगंधा। चलो बताओ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर याद है कि नहीं है? बिल्कुल Washington DC, सेम Washington DC के अंदर ही दोनों का हेडक्वार्टर है। वेरी गुड। चलो IMF क्या फंक्शन करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मेनली एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वो लोन्स प्रोवाइड करता है। लोन्स कब प्रोवाइड करता है? जब कंट्रीज को कुछ उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन्हें अपनी ट्रेड के लिए फंड्स की कमी पड़ जाती है, तो उसमें असिस्टेंस कौन देता है? IMF देता है। और इसके अलावा भी कुछ और चीजों में भी वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बट प्राइमरीली वो ट्रेड रिलेटेड लेंडिंग में असिस्टेंस देता है कंट्रीज को। उसके बाद बात करते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ IMF और पॉवर्टी ग्रोथ एंड रिडक्शन फैसिलिटी। तो इन दोनों फैसिलिटी पे ना पहले क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में, तो मैंने इसलिए यहां पे कवर अप कर दिया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एकदम लेंडिंग से रिलेटेड है, जो IMF लोन्स देगा। किस लिए लोन देगा? कि बैलेंस ऑफ
पेमेंट प्रॉब्लम्स आ गई हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए लोन देगा। ये स्टैब्लिश की गई थी 1974 के अंदर, और जिस कंट्री के अंदर स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा है कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है कि उसमें इम्पोर्ट्स तो बहुत होते जा रहे हैं बट एक्सपोर्ट्स तो प्रमोट ही नहीं हो पा रहे, इसे कहेंगे स्ट्रक्चरल वीकनेस। तो स्ट्रक्चरल वीकनेस को दूर करने के लिए वो उसे लोन्स प्रोवाइड करेगा मीडियम से लॉन्ग टर्म में, ताकि वो इस स्ट्रक्चरल वीकनेस को अपने लॉन्ग टर्म में दूर कर सके। पॉवर्टी ग्रोथ एंड रिडक्शन फैसिलिटी जो है वो फैसिलिटी हमारी IMF की है, ताकि वो वर्ल्ड की जो पुअर कंट्रीज हैं उसे जो है असिस्ट कर सके। अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड या फिर पॉवर्टी रिडक्शन से रिलेटेड, तो उसको भी वो प्रमोट कर सके बाय प्रमोटिंग वर्ल्ड ट्रेड। आगे है कोटाज इन IMF, तो ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोटाज इन IMF का। बिल्कुल 1974 के अंदर, वेरी गुड। कोटाज इन IMF, ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि कोटाज इनमें से कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। आपको ऑप्शन दे सकते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, UNCTAD, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है कि कोटाज हमारे रिलेटेड हैं IMF से, ठीक है। जो भी IMF के मेंबर्स हैं उनको IMF के अंदर जो कोटा है वो सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो अगर आप IMF के मेंबर बनेंगे तो आपको एक कोटा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कोटा सब्सक्राइब करने का क्या मतलब है कि आपको IMF के अंदर अपनी कुछ सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी कोटास की फॉर्म में। तो उन्होंने बताया कि फॉर एनी मेंबर कंट्री आउट ऑफ द कोटा, कोटा कैसे डिसाइड होगा, कोटा डिसाइड होगा आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी में पोजीशन क्या है उसके बेस पर ये डिसाइड होगा। अगर आप बहुत बड़े इकोनॉमी हैं तो आपका कोटा ज्यादा होगा, आपका GDP ज्यादा है, आपकी डिफरेंट फैक्टर्स जो इसमें कंसीडर किए जाते हैं वो ज्यादा हैं, तो आपको ज्यादा कोटा देना पड़ेगा। और क्या सारा कोटा आपको कैश में देना पड़ेगा, तो उन्होंने बताया कोटा जो है वो 2 फॉर्म्स में दिया जाता है। कौन कौन से 2 फॉर्म्स में दिया जाता है बताया, 25% और 75%। 25% जो है वो हम देते हैं फॉरेन करेंसी या फिर गोल्ड के अंदर, फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर वगैरह में देते हैं या फिर गोल्ड में देते हैं, और 75% जो है वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर प्रोवाइड करते हैं कोटा को। चलिए यहां पे पेन भी चेंज कर लेते हैं आपके लिए हम। चलिए कोटा का पर्पस क्या होता है, अगर आप कोटा IMF को दोगे तो IMF के पास उससे क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे जिससे वो असिस्ट कर पाएगा मेंबर कंट्रीज को, ठीक है। कोटास कॉन्स्टिट्यूट द रिसोर्स बेस ऑफ द IMF, तो IMF के पास पैसे आ जाएंगे, और कितना आपका कोटा है उससे आपकी वोटिंग पावर भी डिसाइड होगी। IMF के अंदर ऐसा नहीं है कि 1 member 1 vote, आपका वोट इस पर डिपेंड करता है कि आपका IMF में कोटा कितना है। और कोटास ये भी डिसाइड करते हैं कि आप IMF से कितने लोन ले सकते हो। तो जो भी IMF की लेंडिंग फैसिलिटीज हैं उनमें डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिसमें कोटा एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है। कोटा डिसाइड करेगा कि आपको कितना लोन IMF जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है कोटास की। उसके बाद टर्म आती है रिजर्व ट्रांक पोजीशन इन IMF। रिजर्व ट्रांक पोजीशन जो है वो कंपोनेंट है मेंबर के कोटा का, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और फॉरेन करेंसी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 25% कोटा आपको देना है फॉरेन करेंसी या फिर गोल्ड में, उसे नाम दिया जाता है रिजर्व ट्रांक पोजीशन RTP, और बाकी जो है डोमेस्टिक करेंसी में देना होता है जिसे नाम दिया जाता है CT यानी कि क्रेडिट ट्रांच और क्रेडिट ट्रांच पोजीशन। तो ये भी हमें ध्यान में रखकर चलना है कि 25% कोटा आपको देना है गोल्ड या फॉरेन करेंसी में, उसे कहेंगे RTP, और 75% डोमेस्टिक करेंसी, उसे कहेंगे CTP। अब चलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की तरफ यानी कि SDR। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, सबसे पहले तो यही पूछ सकते हैं कि जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है वो कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। आपको अगेन वही ऑप्शन दे सकते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, UNCTAD। तो आपको ध्यान रखना है कि वो IMF से रिलेटेड है। तो देखो IMF ने एक नई करेंसी बना दी। पहले तो क्या था, US डॉलर ज्यादा पॉपुलर था तो US डॉलर चल रहा था करेंसी में, बट अब क्या हुआ कि काफी सारे और कंट्रीज जो हैं वो भी पॉपुलर होने शुरू हो गए, वो भी बड़े होने शुरू होने लग गए, उनकी वर्ल्ड इकॉनमी भी बढ़ने लग गई। तो एक ऐसी करेंसी बनाने की जरूरत थी जो कि उन सभी कंट्रीज की करेंसी को मिलाकर बनाई गई हो। इसीलिए IMF ने एक करेंसी बनाई जिसे नाम दिया गया स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। क्या नाम दिया गया, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और इसे हम क्या नाम देते हैं, SDR। SDR क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है।
तो जब भी आप आईएमएफ के मेंबर बनते हैं तो आईएमएफ आपको क्या करता है, एसडीआर अलॉट करता है। जो आपने आईएमएफ को पैसे दिए, अपने मैंने ऊपर आपको बताया ना कि आपको आईएमएफ को कोटा की पेमेंट करनी है, तो उस कोटा की पेमेंट के बदले आईएमएफ आपको एसडीआर अलॉट करता है। सर एसडीआर से हमें क्या बेनिफिट होगा, जो एसडीआर हमें अलॉट हुए हम उसको किसी भी जो इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं उसमें कन्वर्ट करा सकते हैं। कौन सी करेंसीज में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसडीआर में कौन कौन सी करेंसीज आती हैं। ये मेन 5 करेंसीज आती हैं एसडीआर बास्केट के अंदर। कौन कौन सी, डॉलर, ड्यूचमार्क, फ्रैंक, येन एंड पाउंड। तो ये यहाँ पे आई थिंक मैंने पुराना यहाँ पे आपको डाटा दे दिया, एक मिनट मैं आपको इसको वेरीफाई करके बताता हूँ एसडीआर का जो डाटा है, एक सेकेंड मैं इसे वेरीफाई करके बताता हूँ आपको। इस डाटा में चेंज आ चुका है, बिल्कुल यहां पे ये 5 करेंसीज जो आती हैं उनके नाम यहां पर आपको दे रखे हैं, वहां पे गलत लिखे हुए हैं, इसको प्लीज इग्नोर करना। पता नहीं गलत कैसे प्रिंट हो गया यहां पर, प्लीज इसे इग्नोर करना। जो 5 करेंसीज हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, लिख लेना अपने पास, डॉलर है, यूरो है, येन है, पाउंड है और है चाइनीज रेमनेबी। ये 5 करेंसीज आती हैं एसडीआर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन सी करेंसी एसडीआर के अंदर आती हैं, और यहां पे गलती से गलत मेंशन हो गया है, प्लीज इसे इग्नोर करना। जो सही हमारे पास करेंसीज हैं उनके नाम है डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और चाइनीज रेमनेबी। बिल्कुल 5 करेंसीज हैं, प्लीज इसे यहां पे करेक्शन कर लेना, ठीक है। इस पे मेन क्वेश्चन बनेगा आपको एसडीआर किससे रिलेटेड है, आईएमएफ से रिलेटेड है। इसे कब एस्टेब्लिश किया गया, 1969 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। इसके अंदर कितनी करेंसीज आती हैं, 5 करेंसीज आती हैं। 5 करेंसीज के नाम क्या है, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और रेमनेबी। ठीक है, जो आईएमएफ के अकाउंट्स बनते हैं वो भी एसडीआर करेंसी के अंदर बनते हैं। एसडीआर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ। चलिए एसडीआर खोला ही हुआ है तो जल्दी से आपको दिखा भी देता हूं। एसडीआर वॉज क्रिएटेड एज अ सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। एसडीआर सर्व्स एज द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द आईएमएफ। एसडीआर इज नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द आईएमएफ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि एसडीआर इज नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द आईएमएफ, रेदर इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ कंट्री। एसडीआर कैन बी एक्सचेंज फॉर दीज करेंसीज। तो एसडीआर जो है उसको प्योर टर्म्स में करेंसी नहीं कह सकते, हम एसडीआर के थ्रू दूसरी कंट्रीज की करेंसी ले सकते हैं एसडीआर एक्सचेंज करवाकर। तो यहां पर ये बात भी लिखी हुई है। कितनी बास्केट ऑफ करेंसीज आती हैं इसके अंदर, इसके अंदर ये भी बताया गया कि जो एसडीआर की बास्केट है उसको हम हर 5 साल बाद रिव्यू करते हैं। हम देखते हैं कि किस कंट्री की जो पोजीशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में ज्यादा अच्छी है, उसके बेस पे उस करेंसी को यहां पर डाल देते हैं। क्राइटेरिया भी दिया है, क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन द एसडीआर बास्केट। एक है एक्सपोर्ट क्राइटेरिया कि जो वो कंट्री है वो वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स होनी चाहिए वर्ल्ड के अंदर, और जो करेंसी है वो फ्रीली यूजेबल करेंसी होनी चाहिए एज पर द आईएमएफ, मतलब आप उसे यूज कर सको फ्रीली इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में। एसडीआर को जो रिव्यू हुआ था रिसेंटली, जब चाइनीज, मुझे बताया चाइनीज रेमनेबी भी ऐड हुई थी जैसा कि आपने भी बताया, तो वो हुआ था 2015 के अंदर। तो ये भी फैक्ट आप अपने पास नोट कर सकते हो कि जो लेटेस्ट एसडीआर रिव्यू हुआ था वो हुआ था 2015 के अंदर। बिल्कुल अंजलि, यूट्यूब ही ठीक है। कोटास के बारे में भी सवाल पूछने, चलिए अब आईएमएफ की वेबसाइट मैंने खोल ही ली है तो आपको आईएमएफ कोटास के बारे में भी बता देता हूं।
चलिए, आईएमएफ इज अ कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या रोल होता है कोटा का? कोटा रिव्यू, जैसा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं सर कोटास कितनी बार रिव्यू हुए हैं, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं आपको कोटा का बता रहा था, कोटा के अंदर फार्मूला होता है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जीडीपी मैंने आपको बताया, मेन वेटेज जीडीपी की ही होती है। तो कोटा का जो रिव्यू हुआ था वो 14 टाइम्स वो हो चुका है, 14th जो रिव्यू था वो 2010 में कंप्लीट हुआ था, और 15th रिव्यू है वो हमें 2019 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, 14 रिव्यू हो चुका है 2010 के अंदर, 15th रिव्यू हमें कंप्लीट करना है 2019 के अंदर। सर कोटा के अंदर क्यों रिव्यू करना पड़ता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोटाज हमारी इकोनॉमिक पोजीशन पर डिपेंडेंट है, और कुछ सालों बाद कई कंट्रीज ऐसी हो सकती हैं जिनकी इकोनॉमिक पोजीशन ज़्यादा अच्छी हो जाए, उनका जीडीपी बढ़ जाए, उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, तो वहाँ पे उनका जो कोटा है वो बढ़ा देना हमें चाहिए, इसीलिए हम कोटाज में बार बार रिव्यू करते हैं। साथ ही जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी कहती हैं कि आप हमारा कोटा भी बढ़ाइए आईएमएफ में, क्योंकि नहीं तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का कोटा ज़्यादा है तो ज़्यादा वोटिंग पावर उन्हीं के पास रहेंगी, और जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने फेवर में लेती रहेंगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज भी चाहती हैं कि कोटा का रिव्यू रेगुलर बेसिस पे होता रहे। बिल्कुल रिचा, मैंने आपका सवाल यहां पे डायरेक्टली ही ऑनलाइन जाकर आपको सॉल्व करवा दिया है। चलिए वापस चलते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ। तो ये हो गए एसडीआर, आगे है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार प्लीज उसे अपने एंड पे देख लेना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये, और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये दो नए बैंक हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक पुराना बैंक है जिसे वेस्टर्न डोमिनेशन से बनाया गया, जापान और यूएस के डोमिनेशन से बनाया गया, और उसको काउंटर करने के लिए हमारे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो इंडिया, चाइना और कुछ कंट्रीज ने मिलकर बनाए हैं एशिया की डेवलपमेंट के लिए और हमारी डेवलपिंग कंट्रीज को फंड्स प्रोवाइड करवाने के लिए। आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की तरफ। ठीक है, WTO की तरफ चलते हैं। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। अब मुझे आप ये बताओ सबसे पहले कि अभी हमने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी कुछ देर पहले जिसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा के अंदर था? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले जिसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा के अंदर था, आप ये बताइए मुझे। देखते हैं कौन कौन सुन रहा है और कौन कौन सो चुके हैं। आई थिंक सभी सो चुके हैं, अब क्लास बंद कर देनी चाहिए मुझे। अब कोई रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का। बिल्कुल अंजलि ने रिप्लाई किया, अंजलि जाग रहे हैं, गुड मॉर्निंग अंजलि। सुगंधा भी जाग रहे हैं, योगेश भी जाग रहे हैं, खुशबू तो आगे भी बता रहे हैं, वेरी गुड। प्रिया भी जाग रहे हैं, सभी कह रहे हैं UNCTAD, तो सारे लोग जाग रहे हैं। बिल्कुल UNCTAD, WTO दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा के अंदर है। तो WTO हमारा बना था 1995 के अंदर। ठीक है, UNCTAD हमारा दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिल्कुल मैं क्वेश्चन पूछने वाला था, अंजलि ने पहले ही आंसर दे दिया कि 1964 में बना था। चलो वेरी गुड। WTO क्या है? एक ट्रेड के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। ये बनाया गया ताकि हम ट्रेड रूल्स एस्टेब्लिश कर सकें जिससे कि ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड है वो हम कैरी आउट कर सकें, और यहाँ पे डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो अपने ट्रेड डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रेड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो एम्बिट है मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा वाइड है। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। WTO ने इसे रिप्लेस किया था। जो हमारा GATT था, GATT एक पुराना इंस्टीट्यूशन था जो कि 1948 के अंदर इफेक्ट में आया था, और इसका मकसद क्या था कि हम ट्रेड बैरियर्स को घटाएं, और WTO का बेनिफिट है कि हम ट्रेड को प्रमोट करें। तो GATT के अंदर हमने डिफरेंट राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन किए ताकि हम ट्रेड को प्रमोट कर सकें, उसे बैरियर्स खत्म कर सकें, और जो उसका फाइनल हमारे पास एक 8th राउंड था जिसे नाम दिया जाता है उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड ने क्या किया, WTO की फॉर्मेशन में असिस्ट किया। उरुग्वे राउंड 1994 तक चला, और इसके बाद हमारे WTO की फॉर्मेशन हो गई। जो हमारा इंडिया है वो GATT का भी मेंबर रहा है और WTO का भी फाउंडिंग मेंबर रहा है। जो GATT था, GATT का स्कोप जो था वो रिस्ट्रिक्टेड था। GATT का स्कोप क्या था, नैरो था।
नैरो क्यों था? क्योंकि वो सिर्फ गुड्स में डील करता था, बट जो WTO है उसका स्कोप ज्यादा है, वो गुड्स में तो डील करता ही है बट वो सर्विसेज में भी डील करता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी डील करता है. तो गुड्स भी प्लस सर्विसेज भी प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी, तो वो इन सभी चीजों में डील करता है. ठीक है, अब बात करते हैं WTO एग्रीमेंट्स की. तो ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और ट्रेड रूल्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो वर्ल्ड ट्रेड है उसे कंडक्ट करवा सकें, डिफरेंट एग्रीमेंट्स WTO के अंदर लाए गए हैं. तो डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट्स हमारे किए, और ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये हमारे जो भी मेंबर गवर्नमेंट्स हैं उन पे लीगली बाइंडिंग है. तो जिसने एग्रीमेंट साइन कर दिया उसे इस एग्रीमेंट का जो पालन है वो करना पड़ेगा. कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं सर जो मेन इंपॉर्टेंट है WTO में? ये मेन एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट है WTO के कंटेक्स्ट में. सबसे पहला है एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, फिर है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, उसके बाद है एक ट्रिप्स और एक ट्रिम्स एग्रीमेंट, और एक है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. जो हमारा ट्रिप्स है वो किससे रिलेटेड है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से. जो हमारा ट्रिम्स है वो रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन से. ट्रिम्स के अंदर क्या आता है? ट्रिम्स के अंदर आता है कि आप किसी दूसरी कंट्री से आ रही इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. जैसे अभी पीछे इंडिया ने क्या कहा था कि जो भी सोलर इक्विपमेंट जो इंडिया यूज करेगा, जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, उन्होंने उसमें बोला कि इसके अंदर इतना कॉम्पोनेंट जो है वो इंडिया से प्रोक्योर हुआ होना चाहिए. मतलब अगर आप सोलर प्लांट लगा रहे हैं उसमें से इतना परसेंटेज कंपोनेंट आपका डोमेस्टिकली प्रोक्योर किया गया होना चाहिए. तो उसमें हमने क्या दे दिया? डोमेस्टिक फर्म्स को प्रेफरेंस दे दी ओवर दी हमारी बाहर की फर्म्स, जो हमारी अब्रॉड की फर्म्स थी. तो इसे USA ने इंडिया के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि इंडिया जो है ये ट्रिम्स वाले एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है, वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको नेगेटिवली ट्रीट कर रहा है, उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. तो आपको किसी दूसरी कंट्री से हो रही इन्वेस्टमेंट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उसको उसके अगेंस्ट बातें नहीं करनी है, नहीं तो आपके अगेंस्ट WTO में केस हो जाएगा दूसरी कंट्री द्वारा. तो जैसे लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट जैसे कि इंडिया ने लगाई थी अभी सोलर प्लांट वाले केस में, तो ऐसी रिक्वायरमेंट आप नहीं लगा सकते, ये ट्रिम्स एग्रीमेंट में लिखी गई हैं. जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और ये हम ऑलरेडी 5 मिनट वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पे इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते. ये सब पॉइंट्स जो है ना ट्रिप्स एग्रीमेंट के याद कर लेना, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं एग्जामिनेशन के अंदर. एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डील करता है एग्रीकल्चर एस्पेक्ट से. अब देखो जो WTO है ना उसके अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज प्राइमरीली किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे. अब सोचो ऐसा हो कि US एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बनाकर क्या करे, इंडिया में एक्सपोर्ट करने शुरू कर दे सस्ते दामों पर, तो इंडिया की इकोनॉमी तो पूरी खत्म हो जाएगी. इसलिए एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी किया गया ताकि हम एग्रीकल्चरल ट्रेड को रेगुलेट कर सकें, और साथ ही साथ कुछ ऐसे मेजर्स भी लेके आ सकें जिससे हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहें. तो इसमें ये सब बातें करी गई हैं कि कितना हम डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी जो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको कितने लेवल तक सब्सिडीज दे सकते हैं, क्या मार्केट एक्सेस रहेगा, क्या आप बाहर की मार्केट्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्या एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज दी जाएंगी. तो ये सब बातें एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इस एग्रीमेंट में करी गई हैं. इसके बाद है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज यानी कि GATS. तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा GATT एग्रीमेंट था उसका स्कोप लिमिटेड था, वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड था, और अब WTO में सर्विसेज भी आती हैं, तो सर्विसेज वाला जो कंपोनेंट है वो GATS एग्रीमेंट में इंक्लूड किया गया है. उसके अलावा एक सब्सिडीज पे अलग से भी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स. सर सब्सिडीज तो समझ गए, सर काउंटरवेलिंग मेजर्स क्या होते हैं? काउंटरवेलिंग मेजर होते हैं कि अगर आपने किसी दूसरी कंट्री से सामान मंगाया, इंडिया ने US से क्या मंगाई? दाल मंगाई, ठीक है, दाल मंगाई, और वो दाल को जो बनाने में USA ने अपनी जो फार्मर हैं उनको $1 की सब्सिडी दे रखी थी. अब इंडिया क्या करेगा? इंडिया कहेगा उसमें तो सब्सिडी दे रखी है, तो उस सब्सिडी को बैलेंस आउट करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए वो उस पर $1 की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देगा, ताकि बाहर से सस्ता एक्सपोर्ट ना आ जाए जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैम्पर हो जाए. इसलिए लगाई जाती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी.
एक एंटी डंपिंग ड्यूटी भी होती है जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी अपनी 5 मिनट वीडियो में कर चुके हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो डंपिंग के केस में अगर कोई बाहर की कंट्री अपने डोमेस्टिक प्राइस से या फिर इवन बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके कंट्री में सामान भेज रहा है तो उसे हम नाम देते हैं किसका, डंपिंग का, और ऐसी डंपिंग पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगा दी जाती है। अब बात करते हैं WTO's प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सब्सिडी मींस, अंजलि पूछ रहे हैं सब्सिडी मींस, सब्सिडी का मतलब बहुत ही आसान है, जैसे कुछ आप बेनिफिट दे रहे हैं, कोई इंसेंटिव दे रहे हैं, जैसे क्या कर सकती है इंडिया की गवर्नमेंट कह सकती है, जैसे बहुत सिंपली है, जैसे आपको एलपीजी का सिलेंडर आप यूज करते हैं तो आपको उस पर भी सब्सिडी मिलती है, जो आप पूरी पेमेंट करते हैं आपको कुछ अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, उसकी सब्सिडी आपको मिल जाती है कि गवर्नमेंट उसका प्राइस सब्सिडाइज कर रही है, कम कर रही है, कुछ पेमेंट उसकी गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे कर रही है। उसकी वैसे कॉस्ट है 1000, बट आपको वो 500 का पड़ रहा है, 500 की उसकी पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट ने उसे सब्सिडाइज कर दिया। ठीक है अंजलि, बिल्कुल। WTO का स्कोप बहुत वाइड है निषाद के। चलिए WTO के दो प्रिंसिपल हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन के, उन्हें भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कौन कौन से दो प्रिंसिपल हैं? एक है मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। तो एक ये भी सवाल पूछ सकते हैं, क्या सवाल पूछ सकते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि वो WTO से एसोसिएटेड है। और एक है नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या है कि आपको जो बाहर के गुड्स हैं और जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ये है नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर क्या था? मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर था कि अगर आपने किसी कंट्री को कोई एडवांटेज ग्रांट किया तो आप सभी WTO मेंबर्स को वो एडवांटेज ग्रांट करो। जैसे इंडिया कहता है किसको, रशिया को, कि जो आप हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स भेजोगे हम उस पर केवल 2% ड्यूटी लगाएंगे। तो अगर इंडिया ऐसा रशिया को कहता है तो आपको सभी को ये एडवांटेज देना पड़ेगा, सभी WTO मेंबर्स को ये एडवांटेज देना पड़ेगा। ये होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, सभी नेशंस आपके सबसे ज्यादा फेवर्ड नेशंस होंगे। उसके बाद है हमारा सार्क। उसके बाद है हमारा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के बारे में बहुत ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है, बट आप इसको प्लीज इग्नोर मत करना, पढ़ लेना। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहा क्योंकि काफी टाइम हो गया है। साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है और साउथ एशिया की इसके अंदर 8 कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। ये 8 कंट्रीज के नाम दिख रहे हैं आपको, तो ये चीजें आप जरूर से याद कर लेना। इंडिया भी इसका मेंबर है और साउथ एशिया की कुछ और कंट्रीज भी इसकी मेंबर हैं। और फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया वो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वैसे ही नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज ने जो साइन किया वो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और उसके बाद आता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? जो EU की सारी कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर उन्होंने एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक यूनियन बना दी है, जिसके अंदर 28 मेंबर स्टेट्स को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, जो कि यूरोप में है। और उन्होंने एक दूसरे से ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या किया, एक यूनियन बना लिया। वो इकट्ठे हो गए, अपनी पॉलिसीज को रैशनलाइज कर दिया, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी जो है वो अलाउ कर दिया। तो इससे क्या हो गया, एक यूनियन बन गया। तो वो बन गया हमारा EU। जो वहां की करेंसी है उसे नाम दिया गया यूरो। ध्यान में रखना कि सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की करेंसी यूरो नहीं है, कुछ कंट्रीज की करेंसी अलग भी है। चलिए आगे आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे हमारे पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल्कुल सिद्धार्थ, क्वेश्चन आया था सार्क का, बिल्कुल प्रीवियस ईयर MCQ सिद्धार्थ, बिल्कुल करके जाने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने। बिल्कुल आंसर भी दे दिया है। चलो बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ चलें। अगर बोर हो गए हो तो इसको नेक्स्ट टाइम कवर अप कर लेंगे, अगर थक गए हो तो नेक्स्ट टाइम कवर अप कर लेंगे। अगर करना है तो मुझे यस लिख के भेजिए। कितने टॉपिक रह गए? बैलेंस ऑफ ट्रेड रह गया मेन टॉपिक,
मेन टॉपिक बैलेंस ऑफ ट्रेड ही है जो रह गया है, और उसके अलावा लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक मेन टॉपिक है। बीओपी में क्या क्वेश्चन आएगा, चलिए जल्दी से पढ़ा देता हूँ बीओपी भी, और जो छोटे से टॉपिक्स रह गए हैं एक बार ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप इजीली उसे कवर अप कर सकें अपने एंड पे। बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ डील कर रहे हैं, तो आप उसका एक अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर आप नोट करते हैं कि क्या मेरी इंटरनेशनल लेवल पे डीलिंग्स चल रही हैं, क्या आप दूसरी कंट्री से पैसे ऑप्टेन कर रहे हैं, क्या आप दूसरी कंट्रीज को पैसे की पेमेंट कर रहे हैं। तो इसको हम दो पार्ट्स में बनाते हैं, एक पार्ट होता है करंट अकाउंट का और एक होता है कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है, करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास आते हैं जो करंट ट्रांजेक्शन्स यानी कि रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और हमारे क्या आते हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला प्रॉफिट मिला वो आते हैं, साथ ही यूनिलेटरल ट्रांसफर, जैसे कि बाहर से आपको कोई फ्री गिफ्ट आया, आपके कोई बाहर रिलेटिव रहते हैं उन्हें आपको कुछ पैसे ट्रांसफर किए, कुछ आपको गिफ्ट भेज दिया, पेन भेज दिया, परफ्यूम भेज दिया, तो वो भी सारा यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर आता है। और हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो है कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट, कैपिटल अकाउंट वाला कंपोनेंट। जैसा हमारा अकाउंट्स के अंदर कैपिटल एसेट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट बनता है, वैसे ही ये कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे या तो हमारे क्या होते हैं एसेट्स में कोई चेंज आता है या फिर लायबिलिटीज के अंदर कोई चेंज आता है। जैसे कि हमने बाहर से लोन ले लिया, एक फॉरेन करेंसी का लोन ले लिया, उसमें चेंज आ जाएगा, और हमने क्या कर दिया बाहर जो लोन लिया था उसकी पेमेंट कर दी फॉरेन करेंसी की, तो चेंज आ जाएगा। बाहर से हमें एफडीआई रिसीव हुई तो वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, हमें आईएमएफ से वर्ल्ड बैंक से कुछ लोन मिला तो वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो जो भी आपके फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में जो चेंज कर रहे हैं ऐसी चीजें कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। तो इनका डिफरेंस भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। एक कंसेप्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, सिंपली डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ये भी हम देखते हैं केवल गुड्स का, सर्विसेज को यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं करते, गुड्स अलोन, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, उनके बारे में आप इजिली ब्रीफली पढ़ सकते हैं, कोई ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं है। जैसे एक टर्म आ रही है बीच में फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स का क्या मतलब है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी रिजर्व्स हैं, कौन होल्ड करता है आपके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स, बिल्कुल सभी मोटिवेट कर रहे हैं कि सर आगे बढ़िए कंटिन्यू कीजिए। फॉरेक्स रिजर्व्स आपके कौन मेंटेन करता है, फॉरेक्स रिजर्व्स आपके मेंटेन करता है आपकी कंट्री का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, तो वो आपके फॉरेन रिजर्व्स जो है वो मेंटेन करता है। फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर क्या आता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या है, जैसे आपके पास डॉलर पड़े हैं, कोई बाहर की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पड़े हैं, वो हो गए फॉरेन करेंसी एसेट्स। उसके अलावा जो आपके पास गोल्ड पड़ा है वो भी आएगा, जो आपके पास एसडीआर पड़े हैं वो भी आएंगे, और उसके अलावा आरबीआई की रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिजर्व पोजीशन होती है आईएमएफ में, तो वो भी इसके अंदर आएगी। तो फॉरेक्स रिजर्व्स के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट इसका क्या है, वो है फॉरेन करेंसी एसेट्स। जैसे आपके पास डॉलर्स पड़े हैं, फॉरेन करेंसी पड़ी है, तो वो इसके अंदर आ जाएगी। एफडीआई के बारे में हम सभी जानते हैं, एफडीआई के डिफरेंट टाइप्स भी यहां पे दिए हुए हैं, और ये ऑलरेडी हम एक एमसीक्यू हमने करवाया था आपको इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर, तो वहां पे ये सारे टाइप्स आपको बताए थे। इनवर्ड हो सकती है, आउटवर्ड हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बैकवर्ड, वर्टिकल, फॉरवर्ड, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, तो ये सारे पॉइंट हमने उन जो एमसीक्यूज डिस्कस किए थे इंटरनेशनल बिजनेस के वहां ऑलरेडी कवर अप किए हैं, तो यहां पे इसे डुप्लीकेट नहीं करते, तो ये हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। हाँ, और एक एफडीआई और एफआईआई के बीच में कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो जनरली जब हम एफडीआई की बात करते हैं तो एफडीआई हमारी जो है उसका फोकस होता है कि हम कोई फैसिलिटी, कोई टेंजिबल चीज यहां पे प्रोक्योर करें, कोई अपने नए फैक्ट्री लगाएं, कोई नई ऑपरेशंस लगाएं। बट एफआईआई के अंदर क्या होता है, एफआईआई के अंदर हम केवल स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं। तो बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं, शेयर्स में पैसा लगा देते हैं, वो एक्चुअली कुछ नया क्रिएट नहीं करते। तो एफआईआई जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल फ्लो है, आपने स्टॉक मार्केट में आज पैसा लगाया कल निकाल लिया। बट एफडीआई में क्या होता है, एफडीआई के अंदर जो पैसा है वो जनरली लॉन्ग रन तक इन्वेस्टेड रहता है,
और इसके अंदर एक और यहाँ पे डिस्टिंक्शन आता है परसेंटेज का. परसेंटेज का क्या इन्वेस्ट डिफरेंस आता है कि जब भी हम 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि हम उस कंपनी के साथ लॉन्ग रन में जुड़ना चाहते हैं, लॉन्ग रन में उसका एसोसिएट बनना चाहते हैं, तो उस केस में उसे नाम देते हैं FDI. बट हम किसी कंपनी में छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अप टू 10% कर रहे हैं, तो उस केस में उसे FII का नाम दिया जाता है. तभी FII को बहुत वॉलेटाइल कहा जाता है. ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड भी वही होते हैं. ग्रीन फील्ड के अंदर हम कोई नया प्रोजेक्ट लगाते हैं, ब्राउन फील्ड के अंदर जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट लिया हुआ है उसे ही बाहर की कंपनी खरीद लेती है, वो उसे ही एक्वायर कर लेती है, उसे नाम देते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. FDI पॉलिसी इन इंडिया की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल क्या कह रहे हैं अंजलि, स्नैपशॉट कहां से ले सकते हैं? स्नैपशॉट हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं. कालेश पूछ रहे हैं, इज द स्लाइड ऑफ दिस क्लास अवेलेबल इन PDF इन टेलीग्राम? ये जो स्लाइड है ना, सारी ये हमारे यूनिट स्नैपशॉट के नोट्स हैं. तो यूनिट स्नैपशॉट के जो नोट्स हैं आप हमारी वेबसाइट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. everstudy.co.in पे जाकर आप यूनिट स्नैपशॉट कोर्स को एक्सेस कर इन्हें जो है एक्सेस कर सकते हैं. चलिए FDI की अगर मैं बात करूं, तो FDI से रिलेटेड इंडिया में एक पॉलिसी बनाई गई है कि बाहर से जो इंडिया में पैसा लाया जाए वो सभी किस कंपनी में कितना पैसा लेके आ सकते हैं, कुछ लिमिट्स डिसाइड करी गई कैसे उसे ज्यादा प्रमोट कर सके ताकि इंडिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके. तो उससे एक रिलेटेड एक पॉलिसी बना रखी है जो कि हमारी फॉर्मुलेट करी है DIPP ने. DIPP क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन. ठीक है, तो इसका नाम आप ध्यान में रखिए. यहां पर इसको हम रेगुलरली रिव्यू करता है, DIPP रेगुलरली रिव्यू करता है. तो यहां पे बताया गया कि किस कंट्री में किस सेक्टर में आपने 100% FDI अलाउ करनी है, किसमें कम रखनी है, किसमें आपने अप्रूवल लेना जरूरी करना है कि आप ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको पहले अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, तो किसमें आपने ऐसा रखना है. तो ये सब बातें आती हैं FDI पॉलिसी के अंदर. और अगर हम FDI के थोड़े ट्रेंड्स देखें, ट्रेंड्स इन FDI के बारे में, तो यहां पे आपको डाटा मिल रहा है, तो वो आप यहां से पढ़ सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो यहां पे दिया गया है कि मॉरिशियस से सबसे ज्यादा FDI आती है इंडिया के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड दिया गया है. और ऐसे ट्रेंड्स आपको न्यूज़पेपर में रेगुलरली मिलते रहेंगे, तो आप न्यूज़पेपर अगर फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे ट्रेंड्स जो हैं आप अवेयर रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे उन ट्रेंड्स के बारे में. जैसे ये 2017-18 का यहां पर दिया गया है आपको. उसके बाद लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आते हैं. लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हमें डिफरेंसेस कुछ पता होने चाहिए. बिल्कुल, FII, FPI, FPI एंड FDI डिफरेंट है. FPI को हम FII से लिंक करते हैं जनरली. कुछ डिफरेंसेस पता होने चाहिए यहां पे लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में, जैसे PTA और FTA के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. PTA और FTA के बीच में क्या डिफरेंस पता होना चाहिए? PTA है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. आप इसमें क्या करते हो, आप दूसरी कंट्री को प्रेफरेंशियल एक्सेस दे देते हो कि आप इंडिया में जो है अपना सामान बेच सकते हो, उस पर हम आपको ड्यूटी कम कर देते हैं. आप 10% ड्यूटी लग रही थी, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने हमारा रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया कि 10% ड्यूटी नहीं लगेगी, आप 2% ड्यूटी दे देना. हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया टैरिफ. बट ध्यान रखना, हमने अबॉलिश नहीं किए, कंप्लीटली खत्म नहीं किए. और FTA के अंदर क्या होगा, इंडिया ने साउथ कोरिया के साथ एग्रीमेंट किया, क्या किया कि आप जो सामान भेजोगे उस पर हम 0% टैरिफ लगाएंगे. तो इसे कह दिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो ये हमारा PTA और FTA के बीच में डिफरेंट है. तो PTA जो है वो फर्स्ट स्टेज है, और सेकंड स्टेज है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ये एक वाइडर स्कोप का एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें कोई भी टैरिफ लगाए नहीं जा रहे. जैसे जो एशियान कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में FTA साइन किया गया है कि आपस में उनमें कोई जो है वो टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे. वैसे ही सीसा और सीपा के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए कि कौन से का स्कोप ज्यादा वाइड है. एक है कॉपरेशन, एक में केवल आप कॉपरेट कर रहे हैं, और एक में आप क्या कर रहे हैं, एक में आप पार्टनर बन चुके हैं. यह है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो जब आप कॉपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो लेवल ऑफ जो कॉपरेशन है वो थोड़ा कम लेवल पे रहता है. जब आप पार्टनर बन गए हैं तो आप एक हायर लेवल का कॉपरेशन यहां पर कर रहे हैं. तो ऐसे ही यहां पर डिफरेंस आ जाता है कि हम इसके अंदर आपस में मिल रहे हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बट जो हमारा सीसा होता है, सीसा में हम अपने जो टैरिफ्स हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं,
और जब हमारा सीपा आता है, सीपा हमारा सेकंड स्टेज है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसमें हम ट्रेड भी, सर्विसेज भी, इन्वेस्टमेंट्स भी, सभी को इंक्लूड कर लेते हैं। सीपा का स्कोप वाइडर है, सीसा का स्कोप हमारा कम है। तो यही ध्यान में रखिए मेन बातें आप, सीपा हैज अ बिट वाइडर स्कोप देन सीसा। उसके बाद हमारे आते हैं कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन क्या होगा कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ कि हमारे ये जो एरिया है, जैसे जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने साइन किया हुआ एक एग्रीमेंट कि हमारे जो भी कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे उनमें कोई भी हम बैरियर्स नहीं लगाएंगे, फ्री ट्रेड रहेगा। और साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्यों डिफरेंट हो गया, साथ में उन्होंने ये भी लिख दिया कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स। तो कोई भी गल्फ की कंट्री अगर बाहर से सामान मंगाएगी तो उस पर कॉमन बैरियर्स लगाएंगे, कॉमन ड्यूटी लगाई जाएगी, कॉमन उस पर टैक्सेस लगाए जाएंगे, तो कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स भी आ गए। उसके बाद आ गया कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट क्या आ गया, कस्टम यूनियन से भी हम एक नेक्स्ट स्टेज में चले गए। यहां पे क्या है, गुड्स से रिलेटेड पॉलिसी तो सेम है ही है, साथ ही साथ हमारा सर्विसेज, लेबर, कैपिटल, इनकी भी फ्री मूवमेंट अलाउ कर दी गई है। तो कॉमन पॉलिसीज भी बनाई गई हैं और क्या कर दिया गया है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर भी कर दिया गया। तो मार्केट ही कॉमन हो गई, तो मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज भी कॉमन हो जाएंगी। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। इकोनॉमिक यूनियन क्या है, इकोनॉमिक यूनियन उसका भी एक नेक्स्ट स्टेप है। इकोनॉमिक यूनियन इज अ टाइप ऑफ ट्रेड ब्लॉक विच इज कंपोज्ड ऑफ कॉमन मार्केट विद अ कस्टम यूनियन। इसके अंदर कॉमन पॉलिसीज भी होती हैं और हमारी कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसीज भी होती हैं और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है गुड्स, सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। और इसे हम लिंक करते हैं जनरली इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन से, कि आपने इकोनॉमिकली भी इकट्ठे हो गए और आपने मॉनेटरी यूनियन भी बना लिया। इकोनॉमिक यूनियन के अंदर एग्जाम्पल देते हैं ईयू का और इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन के अंदर हम एग्जाम्पल देते हैं, मॉनेटरी से हम यूरो को रिलेट करते हैं, कि आपने करेंसी भी अपनी यूनिफाई कर ली, करेंसी भी सेम कर ली। ठीक है, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यहां पे कौन सा बना, अगर आपको इकोनॉमिक यूनियन तक दिया गया है तो इकोनॉमिक यूनियन बना, अगर आपको इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन भी दिया गया है तो वो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन बनेगा। बिल्कुल प्रिय करें, मॉरिशियस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। चलिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में भी जल्दी से आपको बता देता हूं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है हर 5 सालों में लेकर आते हैं हम, तो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो 2015 से 2020 की जो पॉलिसी हम लेकर आए थे उसमें क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें और मेक इन इंडिया को प्रमोट करें, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएं। तो ये हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है 2015-20 इस पे फोकस करती है, इन एरिया पे फोकस करती है। तो मेन बात आप ध्यान रखें कि प्रेजेंटली 2015 से 20 वाली पॉलिसी इनफोर्स है और हमारी जनरली जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज बनती हैं वो 5 ईयर्स की बनती हैं। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखें। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, मीस और सीस। ये भी ऑलरेडी हम प्रीवियसली जब हमने आईबी के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे उसमें इनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जो मीस है वो है गुड्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और जो सीस है वो है सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा मिड टर्म रिव्यू भी किया गया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, वो किया गया था 2017 के अंदर जिसमें कुछ नई चीजें जो है वो करी गई थी। उसके बाद है इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो इंडिया फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब है, यहां पे आप डीजीएफटी भी देख सकते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसे मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं एक एमसीक्यू वाली वीडियो के अंदर। इंडियाज फॉरेन ट्रेड कौन रेगुलेट करता है, कौन एडमिनिस्टर करता है, तो यहां पे ये गलती मत कर देना, कई लोग कह देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है इसको, तो ये गलती बिल्कुल मत करना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं देखती इसको। इसको कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये बात आप यहां पे ध्यान रखना। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे से उठाए गए हैं, आप उन फैक्ट्स को देख सकते हैं कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस किसके साथ रहता है, तो इन कंट्रीज के साथ, जैसे यूएसए है, यूएई है, बांग्लादेश है, नेपाल, यूके, इनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस में रहता है। सरप्लस मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट्स ज्यादा होते हैं, इंपोर्ट्स कम होते हैं, बट कुछ कंट्रीज के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो डेफिसिट में रहता है, मतलब इनके साथ इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, जैसे चाइना है, स्विट्जरलैंड है, सऊदी अरेबिया, इराक है, साउथ कोरिया है। तो चाइना के साथ तो हमारा मेन ट्रेड डेफिसिट रहता है, ये बात आप ध्यान में रखना।
सेक्टर वाइज शेयर भी देख सकते हो, कुछ पढ़ाने वाला नहीं है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना इंपोर्ट्स का एक्सपोर्ट्स का। और कुछ मिसलेनियस टर्म्स हैं जिसमें कुछ खास मेरी तरफ से पढ़ाने वाला नहीं है, और एक इसमें एग्जिम बैंक की डेफिनेशन भी आपको कवर अप कर कर दी गई है, ये एग्जिम बैंक की डेफिनेशन भी आपको कवर अप कर कर दी गई है, वो भी हम ऑलरेडी एक सेपरेट 5 मिनट वीडियो में कर चुके हैं। और इसके ऊपर एक आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में भी बताया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होती हैं? हम कुछ सेपरेट हमारे एरियाज को डिमार्केट कर देते हैं, डिलिनेट कर देते हैं, किस ऑब्जेक्टिव से, कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकें। क्या होते हैं ये? ये होते हैं ड्यूटी फ्री एनक्लेव्स। ड्यूटी फ्री एनक्लेव मतलब यहां पे कोई टैक्सेस नहीं लगते, आप यहां से जो है अपना सामान यहां पर लेके आए, आप उसको बनाएं और वहां से एक्सपोर्ट कर दें। तो जैसे एक एसी जेड हमने बना दिया, यहां पे मेरी एक इंडस्ट्री है और एक एसी जेड में इंडस्ट्री है, तो मैं एसी जेड को जो भी सामान भेजूंगा मुझे उस पर टैक्सेस जो है वो नहीं चार्ज करने, क्योंकि ये जो है इसने अपना सामान जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर देना है, तो हमने टैक्सेस को बाहर नहीं भेजना, हमने क्या करना है एक्सपोर्ट करना है गुड्स को, टैक्सेस को एक्सपोर्ट नहीं करना। तो एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ड्यूटी फ्री एनक्लेव्स बना दिए जाते हैं, और यहां पे यही लिखा कि इन्हें फॉरेन टेरिटरी माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस। तो अगर मैं डोमेस्टिक एरिया से एसी जेड में कुछ सामान भेज रहा हूं तो इसे भी क्या माना जाता है, इसे भी एक्सपोर्ट्स माना जाता है, क्योंकि एसी जेड तो एक फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट इसे किया जाता है। और यहां पे उल्टा भी ट्रू है, अगर आप एसी जेड से डोमेस्टिक एरिया में कुछ सामान लेके आ रहे हो तो उसे इंपोर्ट मानेंगे, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई जाती है। और एसी जेड को प्रमोट करने के लिए इंडिया में जो एसी जेड एक्ट आया वो इनफोर्स हुआ 2005 के अंदर। एसी जेड एक्ट 2005 जो है वो यहां पे हमें ध्यान में रखना है कि 2005 के अंदर इंडिया में एसी जेड एक्ट जो है वो लेकर आया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के प्रमोशन के लिए, जिससे हम एक्सपोर्ट्स को फर्दर प्रमोट कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। बिल्कुल सभी कह रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अंजलि, यूरोपियन यूनियन इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक यूनियन। 2017-18 में मॉरिशियस था, अब जो रीसेंट डाटा आएगा 2019 का वो आप ध्यान में रखना, कभी भी न्यूज़पेपर में आ सकता है, कभी भी आरबी अपना डाटा रिलीज कर सकता है, पर जनरली आप ओवरऑल व्यू रखना कि कौन सी कंट्रीज का ज्यादा जो है एफडीआई रहता है, जैसे मॉरिशियस है, सिंगापुर है, ज्यादा एफडीआई रहता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन आज का। इस वीडियो को जाने से पहले जरूर से लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हम नॉलेज को और स्प्रेड कर सकें। और अगर आपकी क्वेरी है आप हमें मेल कर सकते हैं hello@everstudy.in के ऊपर, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं facebook.com/everstudyclasses, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो इस नंबर का आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि हर किसी को कॉल को पिक करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, पर व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो हम ज़रूर रिप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा आप हमारी फ्री लर्निंग ऐप जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च करी है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऐप स्टोर से लिंक जो है प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, जो भी आपके कोर्सेज हैं आप उन्हें ऑफलाइन एक्सेस भी कर सकेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपसे विदा लेता हूँ, थोड़ा लंबा डिस्कशन हो गया, बट उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा और आपकी प्रिपरेशन में ये डिस्कशन डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा। निषाद कह रहे हैं लीगल एस्पेक्ट्स पे, देखते हैं कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट संडे कराएं। बिल्कुल ऋचा वर्मा, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कोई टॉपिक लेके आएं। मोस्ट वेलकम अनामिका, हेमंत, अंजलि, अदिति, मेघावी, आयशा, आचू, नेहा, यमन, सुगंधा, प्रिया, अमन, निषाद, सभी सभी को थैंक यू वेरी मच है, सभी को मोस्ट वेलकम है कि सभी ने मेरी क्लास को सुना, इतना टाइम आपने अपना इन्वेस्ट किया मेरे साथ में, उम्मीद करता हूँ इस इन्वेस्टमेंट पे आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिले और आप सभी का जो है वो JRF जरूर से जरूर क्रैक हो, आप सभी फ्लाइंग कलर से इस एग्जामिनेशन को क्रैक करें। थैंक यू।